कर लिया मैंने। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनटीएससी करियर पॉइंट चैनल एंड यू आर लाइव ऑन द मेंटी क्विज, द मोस्ट अवेटेड सेशंस, द एंड गेम फॉर द धासु मेंटी सीरीज, राइट? सो टुडे इट विल बी एन एंड गेम। एंड गेम से हमें कुछ याद आ जाता है, सो उसको बिल्कुल याद कर लेंगे, सभी सारी बात कर लेंगे। आयुष, शक्ति, सोहिनी, कार्तिक, फनिंद्र, नमस्ते, प्रणाम, शस्त्रियाकाल, स्वागत है आपका अपने आपके अपने मेंटी क्विज में, राइट? सो आज इसको इस तरीके से शेयर कर दो गाइस के जैसे जावेद सर यहाँ पर आ गए ना, ऐसे फटाफट 100 वाचिंग क्रॉस हो जाने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कुछ होना चाहिए आज यार, क्योंकि सर मेरे पास काफी मैसेज आए बच्चों के कि सर आप धासु मेंटी का लेकर आओगे, धासु मेंटी, तो गाइस आपके ही कहने पे हम धासु मेंटी लेकर आए हैं। सर ये धासु मेंटी नहीं है, धासु मेंटी का एंड गेम है, ठीक है? सो दिस विल बी द लास्ट एपिसोड फॉर धासु मेंटी सीरीज, राइट? So, आज कुछ अलग करना है, आज कुछ तूफानी करना है, बिल्कुल है ना। मीरा मौर्य, हाउस द जोश, टाइप इन द कमेंट बॉक्स यार। यस ओके, संचित का नाम लीडरबोर्ड में गेस करके दिखाओ, देख कोशिश करेंगे संचित, पूरी कोशिश करेंगे। सुष्मिता साहू इज ऑल्सो हेयर, आयुष लाड इज ऑल्सो हेयर। तो एक बात का मेरा कहना मान लो पहले, सबसे पहले, और मुझे खुश कर दो उस बात से, बिल्कुल सबसे पहले सेशन को इतना शेयर कर दो आज गाइस, इतना शेयर कर दो कि मजे आ जाए, क्योंकि हम बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं तुम लोगों के लिए। यस, और लाइक भी कर दो, बिल्कुल बिल्कुल तो लाइक कर दो जल्दी से सर, शेयरिंग एक लास्ट बात सर, मैं क्या इसलिए बोल दूं ना बच्चे गलती कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। बेटा कोई भी अपना सिंबल यहाँ मत बताना हमें, अगर आप बता दोगे तो भी यार हम उसको चूज नहीं कर पाते हैं ना। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ अपना सिंबल हमें मत बताना, हम अपने आप रैंडम चूज करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। यस, और सबसे पहले एक बार वापस से रिपीट करता हूं गौरव सर की बात, शेयरिंग इज द ओनली केयरिंग गाइस, है ना? अब आप जितना शेयर करोगे उतना ज्यादा हमारी केयरिंग करोगे, बिल्कुल ओके। और शेयर करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है यार, बहुत सारे। हेलो हनी, मैं बिल्कुल बात करता हूँ, हेलो हनी, अनन्या, शुभांशु, सुमन, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हार्दिक सिंह। अच्छा तो हार्दिक जैन, एक बात हार्दिक बोल रहा है सर, पहले मैं आपकी बात कंप्लीट करता हूँ। बिल्कुल, शेयर करने के लिए आपको क्या करना है? हाँ, व्हाट्सएप स्टेटस,
व्हाट्सएप स्टोरीज, बिल्कुल ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप्स, इंस्टाग्राम स्टोरीज, इंस्टाग्राम कहीं भी शेयर करो यार सबको, अपने बिल्कुल फेसबुक अपनी क्लास ग्रुप में डाल दो यार। मैं चाहता हूँ कि आप शेयर करो, मैं चाहता हूँ कि आपके फ्रेंड भी यहाँ पर आएंगे ना गाइस, मैं बता रहा हूँ 100% डैम श्योर आपका यहाँ पर एंजॉयमेंट डबल हो जाएगा। बिल्कुल कॉम्पिटिशन का मजा तब अपने फ्रेंड से भी कॉम्पिटिशन, बिल्कुल किसी और को हराना में मजा आता है, पर अपने दोस्त को हराने में ज्यादा मजा आता है तो वो बिल्कुल तुम कर सकते हो। अनन्या हाय अनन्या, थ्री डेट में जब दोस्त टॉप कर जाए, ऐसा था वो, जब दोस्त फेल होता है तो दुख होता है, पर जब दोस्त टॉप करता है तो ज्यादा दुख होता है। सो बिल्कुल वो चीज करनी है। 40 प्लेयर्स हमारे पास ऑलरेडी है। So, जैसा कि मुझे हार्दिक को मैं जवाब दे दूं सर, हार्दिक कह रहा था प्लीज डोंट एंड दिस, बिल्कुल। तो अगर ये चाहते हैं कि हम मेंटी को तो धांसू सीरीज को एंड ना करें तो एक काम है सर, इससे एंड नहीं होगी सर। यस सर, क्या सर? वो है कि अगर हमें आज 150 प्लस वॉचिंग मिल जाएगी सो वी वोंट एंड दिस। गाइस अब आपको पता चल गया होगा, हार्दिक तू तो कर ही सकता है यार, तेरे इतने सारे फ्रेंड यहाँ पर, बिल्कुल शक्ति स्वराज सही कह रहा है कि आज प्रॉमिस डे है सर। So, आज इनसे प्रॉमिस ले लेते हैं, कर रहे हैं, तुम भी प्रॉमिस कर लो, है ना, है ना, प्रॉमिस दो चीजों का प्रॉमिस। एक तो तुमको सेशन को शेयर और लाइक करना है सबको, और दूसरा जब ये वीडियो अपलोड होता है बच्चा, तो वहां जब ये वीडियो स्ट्रीमिंग बंद होकर जब दोबारा अपलोड होता है तो लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताओ कि कैसे सेशन लग रहे, बिल्कुल ठीक है। सो ये दोनों काम आपको करने होंगे तभी तो मजा आएगा। मोटिवेशन है गाइस, बिल्कुल वॉचिंग और आपके कमेंट्स जहां होंगे वही हमारा मोटिवेशन। लाइक कर दो यार सेशन को, शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सिद्धार्थ कुमार सही कह रहा है सर, उसने मोहल्ले में हल्ला मचा दिया, शोर मचा दिया। तो मैं ये कहना चाहूंगा, वेरी गुड सिद्धार्थ, मैं ये कहना चाहूंगा सिर्फ मोहल्ले में नहीं, शहर में, पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया में हल्ला होना चाहिए यार। मतलब आपको मोहल्ले में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके फ्रेंड ग्रुप है, आपका फ्रेंड के फ्रेंड का ग्रुप है, इतना सब कुछ है, हल्ला मचना चाहिए, मचा सकते हो, शोर मचना चाहिए, पर पूरे शहर में मचना चाहिए। तुम कर दो आज 150 वॉचिंग यार गाइस, प्लीज कर दो आज, मजा जाएगा। सात्विक इट्स योर चॉइस, हम इसके कुछ कमेंट नहीं करेंगे, इट्स योर चॉइस, टोटली योर चॉइस, बिल्कुल। इस सर एक और एपिसोड ले आना इसके बाद, फार फ्रॉम होम का, फार फ्रॉम होम, ओके वो बिल्कुल, हम देखो मैंने कंडीशन रख दी है तुम्हें कैसे करना है, बिल्कुल। आयुष कह रहा है कि हम कर देंगे, बिल्कुल गाइस, हम तो सब कुछ आपकी ही बात मानते हैं और आपके ही अकॉर्डिंग जो भी आपको होगा हम वो सब कुछ करते भी हैं। सुजल हेलो, जाहिर हेलो, बिल्कुल बेंटी लेकर आ रहे, इन्होंने कहा सर 200 बेंटी लेकर आओ, 200 बेंटी लेकर आए, इन्होंने कहा सर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लेकर आओ, हम रिविजन कोर्स लेकर आ गए। और सर एक चीज और बता दूं, कल का एक अपडेट देना है इनको, जो कल हमारा मेंटी वाला टाइम पे है, बिल्कुल कल हमारा मेंटी कब है पता है तुम्हें? अभी पता लग जाएगा सर, शेड्यूल हो गया क्या? आई थिंक सर हो गया, शेड्यूल तो हो गया, तो किसको पता है हमारा कल मेंटी कितनी बजे, कोई बता सकता है यहाँ से? प्रणाम बिल्कुल बच्चे, खेदान बीघा इस्लामपुर, बिल्कुल बच्चे प्रणाम, मैं तो देना चाहता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल तेरी चॉइस है, हम मना ही नहीं कर रहे। मीरा मौर्य हाय बच्चा, चलो कौन बता सकता है कि हमारा कल जो मेंटी है उसका टाइम, उसकी टाइमिंग? अरे सुजल ने बता दिया सर, वेरी गुड सुजल, बहुत बढ़िया, बहुत सात्विक, 240 बता रहा है सर, ये शेयरिंग क्या कर रहे हैं सर, या तो केयरिंग तो हो नहीं रही है, वॉचिंग वही की वही है, बिल्कुल जल्दी से सर, एक बार कुछ प्लेयर्स बढ़ गए सर, पर वॉचिंग नहीं बढ़ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है सर? एक बार बच्चों कुछ बातें बता देते हैं जी सर, ये तो सर ई करियर पॉइंट लर्निंग ऐप डाउनलोड करके रख लो, क्योंकि ये सब कुछ कहां पर होगा, ये कोर्स कहां पर है सर? सर ये कोर्स ई करियर पॉइंट लर्निंग ऐप पे ही है, ये यहां पर। इस ऐप पे क्या क्या मिलने वाला है वो बता रहे हैं अब तुम्हें हम, तो सबसे पहले बता देते हैं इस कोर्स के बारे में। दिस इज एन एब्सोल्यूट ग्रेट कोर्स बिकॉज वी आर लॉन्चिंग दिस ओनली ऑन योर डिमांड्स, ये लोग हमसे बार बार पूछ रहे थे बिल्कुल सर, कि 9th का नया बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, 10th का नया बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, तो वो स्टार्ट कर दिया है, बिल्कुल ठीक है, 9th और 10th की अनाउंसमेंट कर दी है, आपको ज्वाइन करना है 9th-10th के लिए, एनटीएससी के लिए, ओलंपियाड के लिए, आप जिस भी एग्जाम के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन करिए, लॉन्ग टर्म कोर्स है ये हमारा, इसमें हम पूरा डिटेल्ड पढ़ाने वाले हैं, और इसमें जो जो फीचर्स हैं यहाँ पर लाइव इंटरेक्टिव लेक्चर्स होंगे आपके, लाइव इंटरेक्टिव लेक्चर्स, लेक्चर वाइज डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, डीपीपीस, लाइव टू वे, दिस इज इंपॉर्टेंट सर, जूम डाउट सॉल्विंग काउंटर, जूम डाउट सॉल्विंग काउंटर भी इस बार से है सर, बिल्कुल, और इसमें जो आपकी क्लास होगी ना उससे कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का हम ग्रुप्स बनाएंगे, बिल्कुल पूरी क्लास का एक जूम सेशन नहीं बनेगा सर, डिफरेंट डिफरेंट को ब्रेक करके बनाएंगे, सो डेफिनेटली आपको फायदा होगा, ठीक है। ऋषिका शाह वेलकम, ऋषिका कोड बता देते हैं, ऋषिका को अभी बताते हैं, ऋषिका कोड आई थिंक पिन है सर, ऋषिका सर हमारी, हाँ बिल्कुल कोड पिन है सर, मैं एक बार और बता देता हूँ, ऋषिका हमारी इवनिंग क्लास की स्टूडेंट है, बिल्कुल रिविजन कोर्स से ज्वाइन किया हुआ है, बहुत बेनिफिट मिलता है, और सर उसके तुरंत बाद एंटी देती है, उसके बाद तुरंत एंटी भी दे, बिल्कुल बिल्कुल। एक बात और सर,
ऋषिका ने ज्वाइन कर लिया सर, असन ने ज्वाइन नहीं किया अभी तक, करने वाले हैं। ऋषिका फास्ट है सर, फास्ट बिल्कुल। और यहाँ पर हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी देंगे, एक्सरसाइज शीट्स भी देंगे पीडीएफ में, और साथ में मिलेंगे कुछ अल्टीमेट मोटिवेशन सेशन। सो गाइस मैं एक बार वापस आपको रिवाइज करा देता हूं, इस बार जो हम सेशन लेकर आ रहे हैं लॉन्ग टर्म जो आपके लिए कोर्स लेकर आ रहे हैं, इस कोर्स में स्पेशल फीचर ये है कि जूम डाउट सॉल्यूशन, जूम डाउट जो रहेगा यहाँ पर डाउट सॉल्विंग काउंटर रहेगा, क्योंकि कई बार स्टूडेंट का ऐसा रहे कि सर डाउट तो हमने डाउट उठा लेकिन उनको सोल्व किया है टेलीग्राम पर व्हाट्सएप पर, मेरे बात भी के स्टूडेंट से, लेकिन इस बार बच्चे ये है 1-to-1, यानी कि इस बार आप अपने डाउट हमें बाय फेस, और ये सब जावेद सर सिर्फ और सिर्फ 1-8-000 में मिल रहा है, क्या इतने कम में सर? अगर मुझे इसमें भी कम करना हो तो यहाँ पर तीन ऑप्शंस में लिख देता हूँ, बिल्कुल सर, GV10, यस, JKH है ना सर आपका, यस बिल्कुल सर, JKH10 और AA10, यस, ये तीन कोड आपके पास अवेलेबल हैं, कोई सा भी कोड अप्लाई लगा दो और ये कोर्स आपको मिल जाएगा 16,200 रुपीज में, 1800 का डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना आर्यमन? वी आर वेरी गुड, प्रतीक वी आर एब्सोल्युटली फाइन, ऋषिका कोड बता रहे हैं आपको जल्दी से, वंश गोयल, तो एक बार सर मैं कोड बच्चों को पहले बताना चाहूंगा, बता दीजिए कोड, एंड कोड इज 5640437 इज द कोड, जल्दी से ज्वाइन करो, टेक्नो गेमिंग 80 प्लेयर्स पे स्टार्ट कर देंगे, ऑलरेडी हमारी काफी सारी लाइव क्लासेस यूट्यूब पर अवेलेबल है, बच्चा आप देख सकते हो अगर आपको किसी टॉपिक पर वहाँ पे डाउट, बिल्कुल है तो। बिल्कुल, और अगर आपको डिटेल में है वो ऑलरेडी पिन भी है, आप वहां से भी मेंटी को ज्वाइन कर सकते हैं, वी ऑल आर फाइन, वेरी गुड, चलिए सर और कुछ है सर इनको बताने के लिए? बिल्कुल सर, ये तो रिवीजन कोर्स चल रहा है, मैं इसको बस ये बोलूंगा जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो, बेनिफिट करो, क्योंकि इसके थ्रू आप 95% प्लस अचीव कर लोगे बोर्ड में, इतना सही बताना चाहूंगा, बिल्कुल सर, जल्दी से ज्वाइन करो इस रिवीजन कोर्स, इसमें कोर्सेस साइंस है, बिल्कुल पूरे जो सीबीएसई जो मेन 5 कोर सब्जेक्ट्स होते हैं सीबीएसई बोर्ड्स में, हम वो 5 सब्जेक्ट डायरेक्टली जो जो कोर्सेस परसेंटेज को अफेक्ट करते हैं वो सारे हैं, बिल्कुल सारे हैं, बिल्कुल सर, चलिए। और सर ये उन बच्चों के लिए है जो अपने जो टेंथ के हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे टेंथ के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो यहाँ पर 2023 में जो एग्जाम देना है उनको जेईई या नीट का, ओके, अगर उसके लिए वो रजिस्टर करते हैं, जो कि फीस वो 30,000 को भी यहाँ पर कम अमाउंट में पे कर सकते हैं, बिल्कुल, उस पर कोड लगा के, यस, ठीक है, सो वो जो फीस है उसमें रजिस्टर करते हैं तो उन्हें एक फ्री मिलेगा, क्या फ्री मिलेगा आपको पता है सर? रिवीजन कोर्स, बिल्कुल, जो टेंथ का रिवीजन कोर्स है, जो इनकी बोर्ड की परसेंटेज को वापस आपको बता देता हूं, बिल्कुल बच्चे मैं बता देता हूं, ये जो कोर्स है ये है आपके लिए फ्यूचर प्लानिंग, अगर आप इन द फ्यूचर आईआईटी या फिर जेईई को ज्वाइन करना चाहते हो तो इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हो ओनली इन 27,000 रुपीज, ओनली इन 27,000 रुपीज, और जो कोर्स था जो आपका एग्जिस्टिंग कोर्स है दैट इज द रिविजन कोर्स फॉर द 10th क्लास स्टूडेंट, ये आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री हो जाएगा, तो अगर इसको फ्री चाहिए गाइस तो आपको ज्वाइन करना होगा लॉन्ग टर्म कोर्स फॉर योर 11th एंड टारगेट कोर्स, 11J और नीट में आप रजिस्टर करो और आपको ये कोर्स मिल जाएगा फ्री, और यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं, वो थोड़ा लिखने में थोड़ा दिक्कत आ जाएगी इनको, It's 27K, ओके, अगर आप कोड लगाते हो तो आपको मिलेगा 27K में, और कोड क्या क्या है, द कोड आर GV10, JKH10, बस यही है सर, और या फिर AA10, अच्छा एक और है, बिल्कुल, तो कोई सा भी कोड लगाओ और ले लो इस कोर्स को जल्दी, तो गाइस बिल्कुल सेशन को आप शेयर कर लीजिए, लाइक बहुत कम है सर, वॉचिंग तो बढ़ा दी है बच्चों ने 70 के अराउंड, लेकिन लाइक अभी भी पर हमारी मतलब... बात हुई थी यहाँ पर कि हम 80 प्लेयर्स पे स्टार्ट करेंगे, पर आज 80 प्लेयर्स नहीं हो रहे हैं, तो वो 80 प्लेयर्स तो एक ही शख्स कराएगा सर, तो सर मैं बुलाओ सर, और वो है हमारे बच्चे, तो जल्दी से इसको जल्दी से सेशन को शेयर करो, शेयर कर लो यार, जल्दी से शेयर कर लो, बिल्कुल स्मैश द लाइक, नहीं तभी नहीं कि तुम्हारा वो वैसा भी नहीं, तो लाइक ठोको नहीं करना है तुम्हें, ठीक है बिल्कुल, तो जावेद सर आई थिंक हम विद इन अ 1 मिनट स्टार्ट कर देंगे, बिल्कुल सर, तो उस 1 मिनट में हमें क्या करना है, हमें हमारा सिंबल चूज करना, बिल्कुल सर, और जैसा कि हमने कहा था हम हिंट से कोई हिंट नहीं लेने वाले, तो आप उधर ना देखें, आप सीधे से अपना एक सिंबल, तो सर मैंने नहीं देखा सर, मैं आज ना मतलब मैं गेस करना चाहता हूँ, क्योंकि सर एक चीज तो तय जिसको हम लेते हैं ना वो आता ही नहीं है सर, मैं इस बार किंग क्राउन करूंगा सर, ओके कौन सा सर, दो क्राउन है यहाँ पे, क्राउन रहेगा सर, ब्लू वाला या ये लाइट कलर वाला, सर दोनों में से कोई ब्लू वाला ले लो, नहीं नहीं सर मैं आपको वाला नहीं लूंगा सर, आपको वाला आती नहीं, अच्छा मैं ये लूंगा सर, ओके सर दिस इज योर्स, हाँ ये क्रीम कलर का ना, व्हाइट क्रीम बैकग्राउंड है, ओके अच्छा सर आप लॉलीपॉप लोगे सर, आप स्ट्रॉबेरी किसी ने लिया तो असद सर की स्ट्रॉबेरी हो गई है, स्ट्रॉबेरी भी यहाँ पर क्या है सर, ये ब्लू बैकग्राउंड वाली है ना आपकी, स्ट्रॉबेरी बहुत सारी है सर, अभी आते हो हम याद रखेंगे ब्लू वाली आपकी है, बिल्कुल
सर। अच्छा एक काम करते हैं, अपन सिंबल ले लेते हैं, वो कितना भी वैरायटी में उससे फर्क नहीं पड़ता। आपका किंग क्राउन हो गया बिल्कुल और उनका स्ट्रॉबेरी हो गया। अब सही है सर, अच्छा अब सही है ना, है ना, ये सही है सर। और मेरा स्ट्रॉबेरी क्राउन और आप सर बर्गर ले लो सर। आप एनिमल नहीं सर, एनिमल में स्पेसिफिक होना पड़ेगा। आप बर्गर ले लो सर। और सर मेरा हो गया रोज। रोज लोगे सर? वैलेंटाइन आ रहा है। अरे यार सर, मैंने रोज ले लिया है। चलो सर है, सर है रोज है, गोरोसो को दिख रहा है रोज। कल आप लाओ ही मुझे ले दीजिए सर। जी सर, कुछ हुआ नहीं उसका। चल ठीक है सर। चलिए सर तो स्टार्ट करते हैं। 70 प्लेयर्स है हमारे पास। शुड वी स्टार्ट और शुड वी गिव देम अ काउंटडाउन? हां बिल्कुल। सो इट्स 10 9 8 7 6 5 4 3 2 अकॉर्डिंग टू गिवन केस। यहाँ पे दो केसेस है ना, दोनों अलग अलग केसेस है सर ये? यस सर। एंगल्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल। उसके अकॉर्डिंग आपको टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड आउट करना है। गाइस आपके पास Enough time है, time use करो, पूरा one minute है, सही करो। क्योंकि यार धांसु की बात है भाई, धांसु की। यहाँ पर आपको इसकी images अलग बतानी है और इसकी अलग बतानी है ना, respective। बिल्कुल सर। So यहाँ पर option भी उसी के according given है सर, 8 8 9 9 9 9 और 8 9। मतलब एक चीज तो confirm है सर, 8 तो बनेगी। अब ये कहां बनेगी? नहीं कहां? यहाँ पर भी 9 9 भी तो है सर। अगर 9 बनेगी तो 8 तो बनी होंगी ना, तभी तो 9 बनेगी। नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता, दोनों में 9 9 बन जाए। नहीं 9 9 बनेगी तो 9 बनने के लिए 8 के बाद तो 9 बनेगी सर। नहीं सर टोटल इमेजेस तो 9 हो जाएगी ना अदरवाइज। सर आप 1 भी बोल रहे हो सर, 2 भी बनेगी, 3 भी बनेगी। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग में जाए आपको अपना अकॉर्डिंग बिल्कुल है ना। ये क्वेश्चन दासु नहीं हल हुआ। ठीक अच्छी बात है बच्चे, अगर ये है तो भाई विभाकर जोशी इज बैक। ऑल द बेस्ट विभाकर। तो असद सर अपना आंसर बता रहे हैं। ये देखो सर, ये असद सर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी के साथ। तो मुझे लग रहा है सर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट है। और ये जो बोल रहे थे बच्चे कि ये एक इजी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, वो पता लग गया सर कितना इजी और कितना हलवा है। बिल्कुल सर, क्योंकि तो मैं अगर बताना चाहूँ आपको, 70% स्टूडेंट्स ने गलत किया है। आज हम सर ये बात करेंगे कि कितने परसेंट स्टूडेंट्स गलत कर रहे हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि मुझे लगता है इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। बिल्कुल सर, आप आराम से इसको एक्सप्लेन करें, क्योंकि आज धांसु है तो एक्सप्लेनेशन तो बनता है। यस सर। ओके नैना, यू आर अ न्यू स्टूडेंट, वेलकम टू द करियर पॉइंट फैमिली। बच्चा वेलकम टू द करियर पॉइंट फैमिली। जस्ट लाइक द सेशन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर करियर पॉइंट एनटीएससी चैनल को। जल्दी इसे सब्सक्राइब कर लो यार, जल्दी से। सर एक बार, यस दिस इज ओके गाइस। सो इस क्वेश्चन की अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करना है एक्स की वैल्यू। अगर x की वैल्यू इवन है या odd है, उसके अकॉर्डिंग हम देखें नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म होगी। तो यहाँ पर जो एंगल गिवन है बिटवीन द मिरर इट इज ऑफ 40 डिग्री, दोनों ही केसेस में तो x की वैल्यू होगी 360 अपॉन 40 एंड इट इज इक्वल टू द 9। ओके 9 इज द odd नंबर। जब 9 odd नंबर है तो आपको चेक करना होगा कौन सा ऑब्जेक्ट सिमेट्रिसिटी पर है, कौन सा सिमेट्रिसिटी पर नहीं है। सिमेट्रिसिटी का मतलब होता है सर जो मिड में रखा हुआ। तो अगर आप यहाँ देखोगे 20 20 डिग्री एंगल है, यानी कि ये सिमेट्रिसिटी पर है, मिड पर है। ओके तो इसकी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होती है x माइनस 1, दैट इज द 9 माइनस 1, इट इज इक्वल टू द 8। तो पहले ऑप्शन में 8 आना चाहिए। दो ऑप्शन तो खत्म हो गए सर यहाँ से, ये खत्म और ये खत्म। और अगर हम देखें बात करते हैं नॉन सिमेट्रिसिटी की, यानी कि जो मिड वाली लाइन पर नहीं हो, तो ये केस है नॉन सिमेट्रिसिटी। तो यहाँ पे सेम x की वैल्यू आएगी, x ही बन जाती है, तो 9 बन जाएगी इक्वल टू द x। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इट इज द करेक्ट। सो मुझे नहीं पता ये कितना डिफिकल्ट था कितना इजी था, पर इतना कह सकता हूं कि जावेद सर के बताने के बाद ये डेफिनेटली इजी हो गया। इजी हो गया बच्चे ना, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। गाइस वी ऑल आर बीटेक हुए हैं, हम सब यहां पर बीटेक्स हैं, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, है ना। तुम्हें इंजीनियर और डॉक्टर बना के छोड़ेंगे। तो सर क्या लगा दूसरी चीज में एक बताना चाहूँ, नितिन जो भी न्यू स्टूडेंट है, नितिन ही नहीं और आई थिंक देर आर नितिन, देर इज और भी अदर स्टूडेंट्स हैं, तो ऑल दोज हु आर न्यू ओवर हियर द फर्स्ट टाइम ज्वाइनर्स, रिक्वेस्ट है आपसे कि जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अमेजिंग अमेजिंग सेशंस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। बिल्कुल, एंड डू लाइक एंड शेयर द सेशन। बिल्कुल नितिन, आपके फ्रेंड भी है, बुलाइए अपने फ्रेंड को भी, हम उनका भी नेम लेंगे। बिल्कुल सबको बुला लो, सबका नाम लेंगे। चले सर, पीयूष को कौन इग्नोर कर रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है पीयूष को? और अगर तुमको लगता है इग्नोर कर रहे हैं तो लीडर बोर्ड पे आ जाओ, किसी को इग्नोर नहीं कर पाएंगे सर। नए नए नाम न्यू न्यू एंट्री है सर, क्या लग रहा है? क्रोकोडाइल तो आ गए सर टॉप पर। आज आपका क्रोकोडाइल नहीं है सर। तो दिस इज संचित, S-A-N-C-H-I-T, this is Sanchit. Wow, sir. ठीक है? 9th grader. Sanchit. Then we have Vote Goat, Pogi, Dishant Saini, that is Javed sir fan. Okay, Dishant Saini. Sadashiv Raj. Very good, thank you. Jahid J.E., Unstoppable. Version Career Point Fanindra. Very good, Career Point. Brainiac. And we have Pankaj. So, sir, अगर मैं देखूँ तो
काफी अच्छा लीडर बोर्ड है, इन द सेंस के नए नए नाम भी काफी सारे आए हैं। बिल्कुल सर, बोल रहे ना कंचन, बोल रहे कंचन साहू सर मैंने ज्वाइन मैं नहीं ज्वाइन कर, वाई बच्चे क्या होगा क्यों ज्वाइन नहीं कर सकता, तो अभी कर लो यार, अभी कर लो, क्या प्रॉब्लम है, टाइम है तो यार, कोड आपको चैट में पिन भी है, कोड कमेंट बॉक्स में भी आपको दिखता रहेगा, और हम बता रहे हैं 5640437 इज द कोड, जल्दी से ज्वाइन कर लो और विभाग का 12th पे, दैट्स वेरी गुड। सर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, बिल्कुल सर, क्योंकि धासु मेंटी से पता लगता है किस चीज से, फर्स्ट 978 पर है, सेकंड लास्ट 842, काफी डिफरेंस है, काफी टाइम लग रहा है बच्चों को आंसर करने में। कुछ और बात भी कहना चाहता हूं, जी सर, कल तो वो रेल का डिब्बा आया नहीं सर, जी आज आ गया सर, वो ऐसा होता है सर हमारे साथ, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, और आज मैंने चूज करा सर, वो तो आया नहीं, आज आपने क्या चूज किया, भूल गए जावेद सर, तो जावेद सर तो भूल गए क्या उन्होंने क्या चूज किया था, उन्होंने क्राउन चूज किया था, असद सर का रोज था, मेरा रोज है, और असद सर का, असद सर ने नहीं नहीं फिश नहीं थी, क्योंकि फिश तो ये आ गई है, असद सर ने चूज किया था, अभी अभी असद सर ने क्या चूज किया था एक बार बता दो यार, है ना, स्पंदन न्यू स्टूडेंट है बच्चा, सो वेलकम टू द करियर पॉइंट फैमिली बच्चा, वेलकम, बच्चे बता देंगे, स्ट्रॉबेरी लिया था असद सर ने, तो हम नेक्स्ट पे आ जाते, चलिए सर, असद सर को जावेद सर का क्राउन तो याद रहा, स्ट्रॉबेरी भूल गए, चलिए ओके हार्दिक बंसल, थैंक यू, टू ऑन योर स्क्रीन नाउ, थैंक यू सो मच हार्दिक, थैंक यू सो मच हार्दिक, थैंक यू बच्चे, ओके, काफी बड़ा क्वेश्चन है, इसमें तो रीड करने में एक मिनट लगेगा सर, सर टाइम काफी है बच्चों के पास, हालांकि क्वेश्चन सिंपल है, आप रीड कर दीजिए एक बार, फिगर शोज अ रे डायग्राम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्वियसली द इमर्जेंट रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, गाइस यहां पर फोर स्टेटमेंट आपको गिवन है, द रे बेंड डाउनवर्ड्स ओनली वंस इनसाइड द लेंस, द रे बेंड डाउनवर्ड्स एट ईच सरफेस, द रे बेंड डाउनवर्ड एट द फर्स्ट सरफेस एंड द रे बेंड डाउनवर्ड एट द फर्स्ट सरफेस एंड डाउनवर्ड एट द सेकंड सरफेस, यस गाइस, सो आपके पास अभी स्टिल 20 सेकंड्स रिमेनिंग है, ओके कार्तिक, बिल्कुल कार्तिक सिंह हमें पता लग गया है, स्ट्रॉबेरी असद सर ने चूज की थी, हार्दिक बंसल बोल रहा था हलवा क्वेश्चन, लेट्स सी क्या होने वाला है, बिल्कुल सुजल मैं चाहूंगा कि आप क्वेश्चन का आंसर मेंटी पे दें और फिर हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे, ओके उत्कर्ष वेलकम टू द फैमिली बच्चा, सर इस बार तो बच्चों ने कर दिया, फिर भी अगर आप देखो सर जैसा मैंने कहा था सर 60% का रोंग ने गलत किया, 60% बच्चों का रोंग रहा है गाइस, और ये सर काफी हाई परसेंटेज है, काफी हाई परसेंटेज है, और मैं यही कहना चाहूंगा बच्चा मैंने पहले भी एक बात बोली थी, जब भी हम धासु मेंटी कराते हैं तो उसके पीछे दो मोटिव्स होते हैं, अच्छे क्वेश्चन कराना और साथ में अच्छे क्वेश्चन की तरफ आपको कॉन्सेप्ट समझाना, हार्दिक बंसल मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर इस बार कंप्लीट कोर्स है, मास्टरमाइंड और एंटेसिस टेस्ट 2, मास्टरमाइंड आपको क्या लगता है हम कहां से बनाते हैं ऐसे क्वेश्चन खुद भाई खुद फॉर्म भी करते हैं, ठीक है चलो एक्सप्लेन करते हैं एक बार, बिल्कुल सुधर वेरी गुड यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ बस वो 60 सेकंड्स के बाद आप हिंट दो, है ना, बिल्कुल चलिए तो एक्सप्लेन करना है सर, कर देते सर, बिल्कुल दिस इज द क्वेश्चन गाइस, जी सर इस क्वेश्चन में अगर हम कॉन्वेक्स लेंस को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो फाइनली फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट रेज इंसिडेंट होती है फर्स्ट वाले सरफेस पर, ओके लाइट रेज एंटर ले रही है रेड मीडियम से डेंसर मीडियम में, जी सर अगर आप यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लोगे सो लाइट विल बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि लाइट रेज कुछ इस तरीके से बैंड होती है, अगेन लाइट रेज आ जाती है सेकंड इंटरफेस पर ऑफ लेंस एंड एयर, सो अगेन लाइट रेज हैज टू बैंड, और इस केस में लाइट रेज बैंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि ये लाइट रेज डेंसर से रेयर मीडियम में एंट्री ले रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल अगेन लाइट रेज कुछ इस तरीके से बैंड होगी, सो फाइनली लाइट रेज यहाँ पर भी बेंड हुई है और लाइट रेज यहाँ पर भी बेंड हुई है, हालांकि हम जब भी कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं तो हम डायरेक्टली इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक्चुअल में यहाँ पर सिंगल बेंडिंग नहीं होती डबल बेंडिंग होती है इस वाले इंटरफेस पर भी इस वाले इंटरफेस पर भी, तो दोनों ही टाइम लाइट रेज बेंड हुई है प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ, सो द रे बेंड डाउनवर्ड्स एट ईच सरफेस, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ओके सो आई थिंक आपको पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से मिल गया है, ठीक है अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन मिल गया है, बिल्कुल बिल्कुल आप यहां पर बिल्कुल अलर्ट रहें, बिल्कुल ओके चलें सर, चलें सर तो हम देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन के बाद लीडर बोर्ड में क्या चेंजेस आए होंगे, यस क्योंकि चेंजेस तो सर मुझे लग रहा है आए होंगे, आपको भी लग रहा है, लेट्स सी सर, मेरे को लग रहा है कि मेरी एंट्री होने वाली है आज सर, एंट्री तो हो गई दूसरे वे में हुई पर एंट्री हो गई सर, यहां पर सभी की एंट्री हुई एक साथ ही, क्रोकोडाइल टॉप पर सर अभी भी नहीं, ओ, नहीं, नहीं नंबर टू पे चले गए हैं, पीयूष विल विन फाइनल, खत्म बात हो गई है, ओके ऑल द बेस्ट पीयूष, बात कर रहा हूं फाइनल खत्म मैं ही करूंगा, ओके ओके एंड गेम की बात कर रहा सर, देन वी हैव क्रोकोडाइल दिशांत सैनी जावेद सर फैन वर्जन करियर पॉइंट फनिंद्र शक्ति स्वराज दास आपका चेला, वाह ओके
जीवी जेके ए फैन ऋषिका, थैंक यू सो मच ऋषिका। सहनास हरनूर कौर ए एफ एम सी, डोंट नो अबाउट इट। हार्दिक बंसल ओके, एंड वंश गोयल सीपी इज ग्रेट, थैंक यू वंश, थैंक यू सो मच। तो असर सर आपने आज क्या किया, ना लॉलीपॉप लिया ना आपने टाइगर लिया, वरना आपकी एंट्री हो जाती। हेलो शिवानी, हाय हाय शिवानी। सर क्राउन भी नहीं आ रहा है, क्या हो गया सर? क्राउन रोज तो आता है सर, आज नहीं आएगा वो, आज मुझे उसका लग रहा है कि उससे पहले तो यहाँ पर रोज आएगा सर, रोज आएगा सर, लेट्स सी सर रोज आएगा सर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो बहुत सर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 9 पॉइंट्स का डिफरेंस है फर्स्ट सेकंड में, सो दिस इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग हैपनिंग। ओके चलिए, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन नाउ। अच्छा अब क्लिक करना, क्लिक करने के बाद आएगा ना सर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज पॉसिबल। सर इस क्वेश्चन में बहुत मजा आने वाले हैं क्योंकि मैं ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि सही आंसर्स आए। ओके, तो क्योंकि बहुत ही अच्छे ऑप्शन है, आप देखिए और इसमें आपका फेवरेट ऑप्शन हमने रखा है, मतलब दिस भी है सर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द क्वांटम नंबर इज पॉसिबल, सो n = 2, l = 0, m = -1, 3 2 m = 0 और 3 2 m = 3। ओके सर, पूरा पूरा सोच लीजिए जावेद सर, आराम से। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं भी कोशिश कर ही रहा हूं। बिल्कुल सर, नॉट पॉसिबल है ना सर, कौन सा पॉसिबल नहीं है सर? मैंने तो कहीं नॉट लिखा ही नहीं, आपने कहा से नॉट देख लिया? ओके ओके सर, पॉसिबल है बिल्कुल। सो सर मैंने गेस कर लिया, लेकिन मैं बताऊंगा बाद में। ओके गाइस, सो दिस क्वेश्चन, जल्दी से सेशन को शेयर और लाइक भी कर दो यार, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, थोड़ा तो तुम भी ध्यान रख लो। सर स्नेहा बोल रही है मैं 29 पर हूँ, तो स्नेहा बिल्कुल बच्चे, शक्ति कह रहा है आप देखो मारो। हाँ तो जावेद सर आपका आंसर, सर आई थिंक मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, बी होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। सो क्योंकि आपने बी बोल दिया तो हमने मान लिया। बिल्कुल सर, पर सर मैं फिर वही बात पे जाना चाहूंगा सर, यहाँ पे 67 का ओनली 67% बच्चों का गलत है। ठीक है बिल्कुल, तो सिखाऊंगा ना। और सर मैं आपको एक बार बता दूं, अभी मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और मैं इनको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं पहले। हाँ सर, जो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा इसी एक्सप्लेनेशन पे एक और क्वेश्चन आज ही के में बिल्कुल ना आपके लिए सेकंड क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट पे रहेगा, तो आपको कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। और इसके अलावा मैं एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पर अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि टॉपिक नहीं पढ़ाया है तो डोंट वरी बच्चे, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर। बिल्कुल आप जाइए, गौरव सर का वीडियो आपको मिल जाएगा करियर पॉइंट एनटीएससी चैनल पर। और मैं ये कहना चाहूंगा इसके लिए तुम्हें वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, जो अभी एक्सप्लेनेशन दूंगा उससे याद हो जाएगा, भूलेंगे नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर सर? कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए एक्सप्लेन एक बार। सर यहाँ पर अगर हम बात करें, सो जो n होता है, n एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है और n की वैल्यू यहाँ पर आपको 2-3 गिवन है। ओके, सो n की वैल्यू हमको कोई से ही मान लेते हैं, दोनों पे वैल्यू पे सॉल्व कर लेंगे, n की वैल्यू 2 पे सॉल्व कर लेंगे और n की वैल्यू 3 पे सॉल्व। बिल्कुल सर, ठीक है, इन दोनों वैल्यू पे हम सॉल्व कर लेंगे। आई थिंक l की वैल्यू l = n - 1 होता है। बिल्कुल, वेरी गुड जावेद सर, तो l की वैल्यू होती है n - 1। यस सर, तो अगर n की वैल्यू 2 ले रहा हूं तो l की वैल्यू इससे ले से आने जीरो हो सकती है। बिल्कुल सर, एक्चुअली मैं इसको क्लियर कर देता हूं यहाँ पे। एन की जो भी वैल्यू होती है, सो एल की वैल्यू होती है एन माइनस वन की रेंज में। ओके, तो अगर जैसे एन की वैल्यू यहाँ पर मैंने 4 ले लिया तो एल कैन बी 3-2-1-0 इस तरीके से हो सकता है। ठीक है बिल्कुल, तो अब हमारे पास जो ऑप्शन थे उन ऑप्शन में वापस जाना चाह रहा हूँ। So, n equals to 2 पे l equals to 0 possible है, possible है sir. n equals to 3 पे l equals to 2 possible है, possible है. n equals to 3 पे l equals to 2 भी possible, possible है. तीनों cases possible है, तो none of these पे भी जाने जाते हैं। अब बात करते हैं m की। Yes. m की value होती है -1/2 + 1/2 होती है। नहीं सर, वो s होता है, ये m की value होती है -L2+L। Okay. L की value की range क्या होती है सर? -L2+L। Yes. So, जब मैं -L2+L की बात कर रहा हूँ तो मैं फिर से वही लेता हूँ कि अगर n की value 2 है तो L की वैल्यू क्या हो सकती है सर? 0-1 दोनों yes, हो सकती sir, है। अगर L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 ही हो जाएगी, जाएगी सर, पर अगर L की वैल्यू 1 है तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1, -0 और 1। यस सर, सिमिलरली जब N की वैल्यू 3 थी तो L की वैल्यू क्या हो सकती है सर? 0-1-2 हो सकती है। बिल्कुल सर, अगर L की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर M की वैल्यू 0 हो जाएगी। L की वैल्यू 1 के लिए M की वैल्यू -1, 0 और 1 और 2 के लिए -2, -1, 0, 1 और 2 होगी। बिल्कुल सर, ये क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो अब कोई सा भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगेगा।
हर्षित दत्ता, ये आपकी स्टेज वन का रिजल्ट कब आएगा, ये आपकी जो स्टेट है वो आपको डिसाइड करके देती है, वो उसके ऊपर होता है बेसिस। कोड अभी कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, पेन ऑलरेडी हो रहा है कोड के। बेटा मैं आपको स्टेज वन के रिगार्डिंग स्टेज वन के रिगार्डिंग डाउट क्लियर कर देता हूं सर इनका। ये जो स्टेज टू का एग्जाम 14th फेब को हो रहा है, ये लास्ट ईयर वाले बच्चों का हो रहा है 2019। हाँ ठीक है, तुम्हारा समर वेकेशन के टाइम पे होगा, रिजल्ट मेरे ख्याल से विद इन वन मंथ आ जाना चाहिए। सो इस क्वेश्चन के अगर हम चारों ऑप्शन देख लें, चार ऑप्शन देख लें अगर इस क्वेश्चन के हम, सो n इक्वल टू 2 पे l इक्वल टू 0 पॉसिबल है, पर माइनस 1 पॉसिबल नहीं है, सो ये ऑप्शन नहीं होगा। n इक्वल टू 3 पे l इक्वल टू 2 पॉसिबल है, और अगर l 2 है तो 0 पॉसिबल है, क्योंकि रेंज में आ रहा है। n इक्वल टू 3 पे l इक्वल टू 2 हो सकता है, पर m इक्वल टू 3 नहीं हो सकता, सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। चलिए सर समझ में आ गया, काफी समझ में आ गया। अब एक बार एक हिंट आपको मिल चुका है, एक और क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, तो गाइस रेडी रहना। एग्जैक्टली सेम तो नहीं, पर हाँ काफी हद तक कर लोगे, सेम है भरोसा बता रहे हैं, तो रेडी रहो। दूसरी चीज, क्वेश्चन का एक बार वेट कर लो कब आने वाला है, और गाइस सेशन ले लेंगे, जल्दी ले लेंगे, काफी बढ़िया कर दिया आपने, लाइक भी कर दो यार, है ना। हां और बिल्कुल इस पे जो सेशन की बात कर रहे हैं सर, ले लेंगे सेशन, पर मेरे ख्याल से अगर एक्सप्लेनेशन को अच्छे से देखा है तो समझ में आ गया होगा। चलिए सर, तो सर लीडर बोर्ड पे बहुत चेंजेस आएंगे मुझे ऐसा लगता है, सर मैंने कहा था चेंजेस हो गए सर, हमारे टॉपर देखो आप, और आपने मेरे फैन को भी सर मतलब बता रखा है सर, मेरा तो बाहर ही चला गया सर। ओ फाइनली रोज इज देयर, फास्टेस्ट रोज की एंट्री हो गई है, और बर्गर आपने मुझसे कहा था उसकी भी हुई है, पर मैंने बर्गर लिया नहीं था, मैंने कहा था सर ठीक है। तो शक्ति स्वराज फर्स्ट पे, दैट्स एब्सोल्युटली वेरी वेरी गुड शक्ति। देन वी हैव पीयूष सेकंड पोजीशन पर, क्रोकोडाइल एट द थर्ड, सुजल मेंटी फोड़ेगा फोर्थ, दिशांत सैनी फिफ्थ, सदाशिव सिक्स, वर्जन करियर पॉइंट 7, ब्रेनियक 8, आयुष लार्ड 9th, और परी 10th। तो सर इसमें न्यू एंट्री कौन कौन है सर? बहुत सारी न्यू एंट्री है, आई थिंक ये तो पहले से थे, सुजल था पहले से, दिशांत था, सदाशिव की एंट्री हुई है, ओके, ब्रेनियक और परी की दो एंट्री हुई है, तो सदाशिव राज और परी वेरी गुड, वेलकम टू द मेंटी लीडर बोर्ड। रेनु महेश्वरी पूछ रही है कैन वी ज्वाइन नाउ ऑल्सो, यस बच्चा डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल संचित ने आपको बता भी दिया है, ओनली उसने वन क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और करेक्ट आंसर उसका था, तो 25 में पहुंच गया बिल्कुल वेरी, क्योंकि सर क्योंकि डिफिकल्ट है, बिल्कुल आज धांसू है, धांसू है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लो जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। सुजल कह रहा है मैं भी अभी आया, तो वेलकम सुजल टू द लीडर बोर्ड, ऑल द बेस्ट, वेरी गुड, और लिंक ऑलरेडी गिवन है। चलिए सर अगला सवाल पे, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ टुडेज मेंट्री मेंटी और योर स्किन नाउ, ये सर कंपैरेटिवली इजी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑक्साइड, पर आप इसमें एक गलती कर सकते हो, इसलिए मैंने सफिशिएंट टाइम दिया है, आपने ओलार सेम ही दे दिया सर, बिल्कुल, और मैंने इसलिए सफिशिएंट टाइम दिया है यहां पर ताकि तुम सोच लो, ये मत बोलना कि कुछ गलती हो गई। ओके स्नेहा राजपूत, ओके वेलकम बच्चा, वेलकम। क्या होगा सर इसमें सर, यहाँ पर जो बच्चे सोच रहे हो ऐसा भी देखो ऑप्शन दिया है मैंने कि ऑल आर सेम, इसलिए मैंने कहा पूरा टाइम लो आप आराम से करो। सर इनकी जो पोलैरिटी है अगर बात करें तो सर यहाँ पर मैं अगर आपको थोड़ा बच्चों को भी आपको थोड़ा समझाना चाहूँ, बिल्कुल सर, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, यस, तीनों में जो एलिमेंट है ऑक्सीजन के अलावा उनकी वैलेंसी +2 ही है, +2 है सर, क्योंकि तभी सिंगल बन रहे हैं। मैग्नीशियम क्या होता है सर? मेटल होता है, ओके ओके सर ठीक है, पीबी लेड मेटल होता है, जेड जिंक मेटल होता है, सो तीनों मेटल ऑक्साइड से, मुझे डाइवर्ट कर रहे हो, तीनों मेटल ऑक्साइड से, पर सर क्या अगर ऑल आर सेम होता तो ये धांसू क्वेश्चन होता? इसका आंसर है सर ऑप्शन नंबर ए, MgO। मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि जो PbO है लेड ऑक्साइड और जो ऑप्शन सी है जिंक ऑक्साइड, ये दोनों एम्फोटेरिक इन नेचर है, अरे ये पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक इन नेचर है सर, तो इस बार इनको एम्फोटेरिक नहीं, ये देखना कि बाकी बोल दिया सिंधु जैन ने, बोल दिया सर एम्फोटेरिक ऑक्साइड है ये, इट्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड, वेरी गुड। और संचित कह रहा है फसाओ मत, सीधा सवाल था कि ए आंसर था, संचित देखो क्या होता है, बिल्कुल यही तो खेल होता है ना, वेरी गुड किट्टू, वेरी गुड, यस सुजल, एब्सोल्युटली वेरी वेरी गुड, हमारे जो स्टूडेंट है ये ब्रिलियंट हो चुके हैं सर, ये आपके जो वर्ड एम्फोटेरिक में यहां पर आ गए, कई बार सुना मैंने इस वर्ड को, सो सर इस बार 66% स्टूडेंट्स गलत थे, सो आज मैं बहुत बहुत मजा आ रहा है, बिल्कुल है ना, Yes, very good. तो बहुत प्यारा यार, बहुत प्यारा, लीडर बोर्ड पे देख लेते हैं कितना प्यारा क्या हो रहा है सर, न्यू एंट्रीज हैं 2-3 सर, री एंट्री भी हुई है, और शक्ति का गलत हो गया सर, तो वो पीछे जाने वाले हैं, और सर सीधे फर्स्ट से कहां आया आप देखिए, सेवन पोजीशन पे,
तो फर्स्ट पोजीशन पे क्रोकोडाइल वापस पहुंच गया, सुजल ने कंटीन्यूअस मेहनत करते सेकंड पोजीशन हासिल किए, वेरी गुड। दिशांत सैनी इज ऑन द थर्ड, फनेंद्र इज ऑन द फोर्थ, प्रवीण केरला स्टेट बोर्ड। वाओ प्रवीण का इंटरव्यू ये सर, ओके। और बहुत टाइम बाद आया प्रवीण यार, थे कहां तुम, क्यों नहीं आ रहे? मेरा रोज बाहर हो गया पर मायसेल्फ फ्रॉम जीवी सर फैन क्लब की एंट्री हो गई है, थैंक यू सो मच। अपना नेम भी बता दो बच्चा, है ना, अपना नेम भी बता दो। शक्ति स्वराज सर ये फर्स्ट से यहाँ आ गया, ओके सर ये भूख लगाएंगे मुझे। हैदराबाद पैराडाइज बिरयानी आज सर बहुत आ रहा है बिरयानी, है ना, ये सुबह भी था सर। और सर आपको बताऊं, मैं हैदराबाद जा चुका हूं और मैंने पैराडाइज बिरयानी खाई है, इट्स रियली अमेजिंग यार, बहुत टेस्टी है, बहुत फेमस है वहां का। टॉपर ऑफ नाइन्थ, अपना नेम बता दो क्योंकि ये तो संचित है, है ना। तो गाइस टॉपर ऑफ नाइन्थ एंड मायसेल्फ फ्रॉम जीवी सर, मेरे फैन क्लब से मुझे अपना नाम तो बता दो यार, है ना, कौन है जीवी सर फैन क्लब से, हमारा भी फैन क्लब हम भी बनवाए सर, बिल्कुल। दिस इज संदीप भैया, ओके, सो बहुत ही प्यार, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन हो चुका है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, और ये होने वाला है मैथ्स का सवाल। यस सर, तो बिल्कुल ऐसे सर आ जाइए, आपको यहां पर ऑन डिमांड है आप। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, रीड कर दीजिए जावेद सर, असद सर आ रहे हैं। वेरी गुड फानिंद्र, बिल्कुल बच्चे सर, फानिंद्र ने आपके लिए कॉम्प्लीमेंट दिया सर, एक बार जरूर देखिएगा। थ्री बेल्स चाइम एट एन इंटरवल ऑफ 18, 24 एंड 32 मिनट रेस्पेक्टिवली एट अ सर्टेन टाइम, देन बिगिन टू चाइम टुगेदर, व्हाट लेंथ ऑफ टाइम विल इलैप्स बिफोर दे चाइम टुगेदर अगेन। ओके, सो 18, 24 और 32 टाइम पीरियड आपको गिवन है, आपको ये फाइंड आउट करना है कि वापस से कब रिंगिंग स्टार्ट होगी। आई थिंक इतना होगा सर ना, यस, ओके संदीप, बिल्कुल बच्चे। बिल्कुल फानिंद्र, आपका जो कमेंट है गौरव सर ने पढ़ लिया है, ही इज वेरी हैप्पी। कैसे हो आप लोग सर, आप आ गए हो तो सर, बिल्कुल बच्चा बहुत अच्छा कर रहे हैं सर, एक बार आप आ गए तो एक बार आप भी सर कह दीजिए बच्चों से, शेयरिंग और केयरिंग कर दे सर थोड़ी सी। हमारे बच्चों ने कर दिया, लेकिन फिर भी हम देख लेते सर, 45% बच्चों का अभी भी रोंग रहा है बच्चे ना। यस, तो यार इतने धांसू सर आपके पास है, कैसे नहीं होगा सर, एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए सर। बिल्कुल, चलिए सर, तो सिंपली बेटा इसके बाद आपको क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। यस, एलसीएम ऑफ वो दोबारा कब एक साथ चाइम करेंगे, तो आपसे पूछ इसका एलसीएम निकालना होगा 18, 24 एंड 32। बेटा आप इसका एलसीएम निकालोगे दैट इज 288। ओके, और बेटा 288 को आप लिख सकते हो 240 प्लस 40 सर हमने प्रॉमिस किया बच्चों से, अगर आज वॉचिंग को 150 कर देंगे तो हम अपनी जो मेंटेन से कंटिन्यू रखेंगे, अदरवाइज आज इसका एंड गेम है। कमिंग ना एक बार फिर से यार, तो सर चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, लीडर बोर्ड, बिल्कुल सर। अच्छा लीडर बोर्ड स्किप कर देते हो सर, लीडर बोर्ड देखिए सर, अरे सर नेम नहीं है ना सर, हमारे बच्चों का प्यारा लीडर बोर्ड देखिए सर आप। ओके ओके, सुजल का रोग हो गया, ओहो सुजल का रोग हो गया, मिलेगा सर फानिंद्र को, दिशांत, लेकिन सर दो तीन एंट्री हमें दिख रही है यहां पे। ओके, टॉपर ऑफ नाइन तभी बताया तो उसने अपना नेम, बिल्कुल टॉपर ऑफ नेम इज, अभी फिर से बता देना बेटा टॉपर ऑफ नेम, साउंड क्लियर नहीं आ, क्रोकोडाइल इज ऑन टॉप, क्लियर हो गया होगा। दिशांत सैनी जावेद सर, सर फैन नहीं लिख रहा इसने सर, वो अंडरस्टूड अंडरस्टूड है, को वर्जन करियर वर्जन करियर पॉइंट फनी माय सेल्फ ओके जीवी सर फैन है सर यहां पे, यस बिल्कुल, हैदराबादी बिरयानी, यस सर, टॉपर ऑफ नाइन्थ, हु इज टॉपर ऑफ नाइन्थ, ओके नितिन कल्याण इज वेरी गुड, नितिन बहुत अच्छे परफेक्ट सर, नितिन सुजल वेरी गुड बेटा, प्रवीण केरला स्टेट बोर्ड टॉपर हो गया, यस एंड ब्रेनियक एंड शांतनु, ठीक है वेरी गुड गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं एवरीवन, सर यहां पर शांतनु की न्यू एंट्री हुई, अच्छा शांतनु की और ब्रेनियक की रीएंट्री हुई, ब्रेनियक ऑलरेडी था, वेरी गुड गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन, श्रुतिका इज ऑन 53, ओके श्रुतिका 53 पर है, तो श्रुतिका एक बार लाइक कर लो सेशन को, शेयर कर लो अपने फ्रेंड के साथ, हो सकता है अभी तक सिर्फ 5 क्वेश्चन हुए हैं, कृष्णा गुप्ता अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो, इफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज 13 वेयर ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स देन द वैल्यू ऑफ ए इज, ओके 6 7 8 एंड 9, वैल्यू ऑफ ए, अभी सिर्फ 5 क्वेश्चंस हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है,
इजी क्वेश्चन है. ओके विभाकर, वेरी गुड, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस. हार्दिक बंसल बोल रहा है हलवा क्वेश्चन है. ओके ओके, ओके. संचित ने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया कौन सा ऑप्शन होगा. सर गेस कोई, सर ए फ्रॉसस, सर रोंग हो गया सर मैं. तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन. बच्चों ने पहले ही बता दिया था सर, मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा इसको. सर यहां पे अगर मैं फैक्टराइजेशन यूज करूंगा तो ए प्लस बी ए माइनस बी, यस दैट इज इक्वल टू. सर 13 एक प्राइम नंबर है, इसका फैक्टर नहीं हो सकता, दो ही इसको आप फैक्टराइज लिख सकते हो 13 into 1. yes. तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, या तो सर ए प्लस बी इज 13 या फिर ए माइनस बी इज 13, ए माइनस बी इज 1, या फिर सर ए प्लस बी इज 1 एंड ए माइनस बी इज 13. तो टू इक्वेशन आए तो सर अब हमें सोचना है कि हम कौन सी पॉसिबिलिटीज को लेकर के चलेंगे, इसको या फिर इसको. ओके लेकिन सर आपको पता है दो नेचुरल नंबर है उनका सम एक के इक्वल क्या कभी पॉसिबल है? दो नेचुरल नंबर का सम एक के इक्वल पॉसिबल है? नहीं सर, कभी नहीं पॉसिबल है. possible. इसका मतलब ये वाला तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा. तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, ए प्लस बी इज 13 और ए माइनस बी इज 1. नाउ सॉल्व दिस टू इक्वेशन, ए कैंसिल आउट, 2a इज 14, बिल्कुल. तो ए इज 7, 7 इज द राइट आंसर. बिल्कुल, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. यस ठीक है, डोंट बी फ्रस्ट्रेटेड. सर लीडर बोर्ड पे आ जाते हैं. यस सर, चलिए सर. बहुत सारी एंट्रीज हो रही है. चलो सर मेरा भी नेम दिख गया, थैंक यू हार्दिक, गॉड ब्लेस यू. सो क्रोकोडाइल इज ऑन टॉप सर. दिशांत सैनी, जावेद सर फैन नहीं सर, इसलिए मैं जावेद सर से रीड कर रहा हूँ. वर्जन कैरियर पॉइंट फनी, वेरी गुड. दिशांत सैनी रीड कीजिए सर. ठीक है, हैदराबादी पैराडाइज बिरयानी, माई सेल्फ फ्रॉम टॉपर ऑफ 9th, हार्दिक जैन 9th क्लास, नितिन असद सर फैन एंड हार्ट. हाँ सर, अच्छा नितिन ब्रेनियक, आई एम नोब, रीड करता हूँ. हार्दिक जैन 9th क्लास, असद सर फैन और हार्ट के साथ, ब्रेन आई एम नोब एंड शांतनु, वेरी गुड गाइस, बहुत अच्छे बहुत अच्छे. ठीक है सर, ओके, ही इज साई संदीप. ओके, ही इज अ साई संदीप. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. बिल्कुल सर. सर क्वेश्चन नंबर 7 किसका हुआ? फिजिक्स हुआ सर, आई थिंक. लेट्स सी. ओ फिजिक्स रीड कर दूं सर? बिल्कुल सर. इफ R1 एंड R2 आर फिलामेंट, रेजिस्टेंसेस ऑफ अ 200 वाट बल्ब एंड 100 वाट बल्ब, दे आर रेस्पेक्टली डिजाइन टू ऑपरेट ऑन द सेम वोल्टेज, देन आपको फाइंड आउट करना है गाइस R1 और R2 में क्या रिलेशनशिप यहां पर रहने वाला है. ओके समय बिल्कुल बच्चे, यू आर द नोब. ओके तो आपने ये नोब वर्ड यूज क्यों किया यार, क्या रीजन है नोब का? ओके फाइन, सो गाइस आराम से टाइम लीजिए, आपके पास एनफ टाइमिंग है. और अभी सर हमारे असद सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 50 स्टूडेंट ने मार्क भी कर दिया आंसर. बच्चे बहुत टैलेंटेड हो गए सर, और बोल भी रहे इजी क्विजी है. वेरी गुड बच्चे, बहुत बढ़िया. सिर्फ पावर और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो रिलेशनशिप है वो आपको याद करना है. हार्दिक बसर बोल रहा है असद सर क्या होगा, कहाँ चले गए आप? असद सर आ रहे हैं बच्चे, बिल्कुल जल्दी ही ज्वाइन करेंगे. अहमद रजा, वेरी गुड बच्चे. यहाँ पर आंसर देने का कोई फायदा नहीं है. एंड टाइम्स अप गाइस, टाइम्स अप. सर बी इज द राइट ऑप्शन, करेक्ट आंसर. सर मेरा भी ये ऑप्शन था लेकिन मैं चला गया था. यहाँ पर 40 स्टूडेंट है, यहाँ पे 40 स्टूडेंट मींस 56%, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने करेक्ट कर दिया है. तो सर चले पहले एक्सप्लेन करते. बिल्कुल हाँ. तो गाइस ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो पावर है इट इज इक्वल टू द V²R होता है. अब क्वेश्चन में कहा गया है कि टू डिफरेंट बल्ब है, एक की पावर 100 है और एक की पावर है 200. रेजिस्टेंस R1 R2 है और दोनों ही सेम वोल्टेज में वर्क कर रहे हैं. तो अगर मैं यहाँ पर P1 की बात करूं तो ये हो जाएगा सर, यहाँ पर V1²R इज द 200, सॉरी पावर यहाँ पर हम ले लेंगे, दैट इज द 200. So power is 200 equal to V square और resistance जो का ये R1 then 100 is equal to 100 is equal to V square upon R2 बनेगा. तो R2 upon R1 is equal to 2 equal to
आपको यूज करना था बिल्कुल सर। लीडर बोर्ड में क्या लग रहा है आपको? ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे सर ना, क्वेश्चन सिंपल था आई थिंक। ओके गाइस, दिविस्ट की एंट्री हो गई सर। वेरी गुड, मैं देख रहा था दिविस्ट आज नहीं आया सर। आ गया सर। तो क्रोकोडाइल इज ऑन टॉप, इसका नेम क्या है सर? सर बच्चे अपना नाम बता दो यार। ठीक है, दिशांत सैनी, जावेद सरफैन, वर्जन करियर पॉइंट, टॉपर ऑफ नाइन्थ इज ये सचिन, सॉरी नितिन, नितिन हैदराबादी बिरयानी, माइसेल्फ फ्रॉम जीवी सर फैन क्लब, हार्दिक जैन नाइन्थ क्लास, थोड़ा मैं स्पेशल इसको सर अच्छे से धीरे धीरे पढ़ना चाहूंगा, हार्दिक जैन नाइन्थ क्लास, असद सर फैन विद लव, ब्रेनियक, आई एम नूब, नहीं बेटा आप नूब नहीं हो, आप गेमर हो, आप गेम चेंज करोगे, ठीक है? सो एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ, आप अपना परफेक्ट दो, मेंटी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जिसके लिए आपकी प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है? असद सर ने बहुत 100 रुपए की बात बोल दी है, मतलब 1000 रुपए की सर, 1000 है यार इतनी मतलब वैल्यू है सर, 1000 रुपए की बात बोली लेकिन वो 1000 का नोट बंद हो गया सर एक्चुअली। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ अ सेल एक्सीड्स इट्स ईएमएफ? अच्छा क्वेश्चन है सर, और ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। अरे सर जो भी क्वेश्चन आप लाओगे वो अच्छा ही रहेगा, बिल्कुल दासू सीरीज चल रही है। यस, लेकिन हमारे बच्चे सर इतने मतलब इंटेलिजेंट हो चुके हैं। वेरी गुड बेटा, ये आप कर सकते हो लेकिन हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है? एसएस गेमिंग, दिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बोल रहे सर कॉपी के साथ मेंटेन। हेलो मीना शर्मा, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। तो मीना शर्मा बिल्कुल बच्चे, हमने नाम ले दिया है आपका, अब आपकी भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सेशन को लाइक और शेयर कर लो अपने फ्रेंड के साथ, आपके फ्रेंड को भी बुलाओ, उनके भी नेम लेंगे बच्चे, बिल्कुल। संचित तो बेटा एक को ऑप्शंस को मींस अपने आंसर्स को बार बार रिपीट मत किया करो, ठीक है? तो सर कुछ गेस करोगे सर? एक्चुअली इसमें चार्जिंग वाली प्रोसेस है सर, देखो चार्जिंग प्रोसेस। ओके ओके सर, बी ऑप्शन, बिल्कुल सर, क्योंकि इधर से आ रहा है। यस समझ गए सर, और बाकी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर गाइस, और यहां पर ये 30 है, असद सर का बिल्कुल करेक्ट और हमारे स्टूडेंट ने से करेक्ट दिया है, लेकिन अगर हम देखें यहां पर तो 48% का ही करेक्ट है सर, 52% का रॉन्ग हुआ है। हेलो श्रुतिका, वेलकम टू कैयो पॉइंट, और आप मेंटी को प्ले करो, हम आपका नेम लेते रहेंगे बार बार, आप लीडर बोर्ड पे आ जाओ, हम बताने के लिए, तो हमारी मजबूरी हो जाएगी, ठीक है कृष्णा? यस, तो सर एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं क्वेश्चन को। बिल्कुल बेटा, अभी हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, इट डिपेंड ऑन द स्टेट, बिल्कुल। सो गाइस इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको यह फाइंड आउट करना है कि किस वाले केस में जो वोल्टेज है टर्मिनल के अक्रॉस वो ज्यादा है इन द कंपेरिजन ऑफ द वोल्टेज ऑफ द बैटरी। तो लेट सपोज मैं यहाँ पर वोल्टेज वी ए कंसिडर कर लेता हूँ, तो मैं वी ए वोल्टेज को लेकर चलता हूँ, यहाँ पर ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक करंट इस तरीके से एंट्री ले रहा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, इलेक्ट्रिक करंट इस तरीके से एंट्री ले रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, और दोनों केसेस में इलेक्ट्रिक करंट ही नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं हम अक्रॉस द एंड ऑफ द टर्मिनल। तो यहाँ पे वोल्टेज वी ए है जिसको मैं लेकर चल रहा हूँ, यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप होगा, डेट इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द बैटरी, तो यहाँ पर माइनस ई होगा, अगेन यहाँ पर माइनस साइन है। हेलो पीयूष, प्लस होने वाला है आई, कैसे हो? डेट इज इक्वल टू, हेलो भगवान यादव, राम राम, खुश रहो। सो वी माइनस वी भी अगर हम यहाँ पे करते हैं गाइस, सो इट इज इक्वल टू द ई माइनस आई आर, यानी कि इस वाले केस में तो जो वोल्टेज अक्रॉस द, वेरी गुड विवागर जोशी, बहुत अच्छे, एक्सीलेंट, कंडक्टर है वो डिक्रीज हो गया बैटरी के ईएमएफ से। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर वोल्टेज वी ए है, और यहाँ पर हम वोल्टेज फाइनली वी बी कंसिडर कर लेते हैं, तो वी ए माइनस ई, और यहाँ पर होगा माइनस आई इंटू आर, डेट इज इक्वल टू द वी बी। जब आप यहाँ पर वी ए माइनस वी बी फाइंड आउट करोगे, वोल्टेज अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, डेट इज इक्वल टू द ई प्लस आई आर। तो गाइस यहाँ पर आप देख लो, यहाँ जो वोल्टेज है ना, ये वोल्टेज इस बैटरी के वोल्टेज से इंक्रीज हो गए, ई प्लस आई आर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, और वैसे यहाँ पर दिख भी रहा है सर, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डायरेक्टली बैटरी की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि बैटरी के वोल्टेज से ज्यादा एक्सटर्नल वोल्टेज है। गाइस अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हो तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है? इसलिए मैं बोलता हूँ कि बार बार सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर योर स्टडीज यहाँ पे ऑलरेडी आपको मिल जाएगी, ठीक है? सर विवागर जोशी को कैसे पता चल गया? हेलो गीता शर्मा, वेलकम टू कैरियर पॉइंट,
रोहित, हेलो रोहित, नितिन का क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है और डायरेक्टली सर वो फोर्थ से टेंथ पर पहुंच, टेंथ पे आ गया है। क्रॉग इज मींस क्रोकोडाइल इज ऑन टॉप, दिशांत वर्जन माइसेल्फ फ्रॉम जीवी सर फैन हैदराबादी हार्दिक ब्रेनियक दिविस्ट आई एम नूब एंड टॉपर ऑफ नाइन्थ। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, अगर पॉइंट की डिफरेंस की बात देखो सर कोई ज्यादा आज डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल काफी ज्यादा कंपटीशन है। 6513 62 82 62 41 55 305 4515 5174 5153 तो काफी मजा आने वाला है, बिल्कुल मीन्स एक क्वेश्चन से लीडर बोर्ड चेंज होगा सर। वेरी गुड ऋतिक यादव, बहुत बढ़िया। कार्तिक सिंह क्वेश्चन नंबर 9 एवरीवन, बहुत बढ़िया सर। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, सर को बुला दो। बिल्कुल सर। Find the percentage by weight and weight fraction respectively of aspirin in the solution prepared by dissolving 3.65 gram of aspirin in 25.08 gram of water. Sir, कुछ complex sir, वो देखाने वाला question तो नहीं दिया सिर्फ डराने के लिए बच्चों को। क्या बोलते हैं उसको, glamour? Glamour तो नहीं है सिर्फ question का। Glamour आप कह सकते हो सर, थोड़ा सा glamour हो सकता है। क्योंकि सबसे पहली चीज तो बच्चों के दिमाग में आएगी एस्पिरिन क्या है, क्या उसका फॉर्मूला क्या होगा, क्या वो रिक्वायर्ड है। आज सारे ऑप्शन बी क्यों आ रहे, ऐसा नहीं बेटा तो वो भ्रम, चलो एक हिंट कर दो सर, बी नहीं है इसका आंसर। आपके पास सिर्फ चार ही ऑप्शन, तीन ही ऑप्शन है बेटा, लेकिन आप सॉल्व करो ठीक है। हेलो प्रांजल शर्मा, कैसे हो बेटा? सर तो आप ऑप्शन देख के कुछ गैस करना चाहेंगे, सिर्फ ऑप्शन को? ऑप्शन 12.7 12.7 14.5 14.5 0.17, अरे तो कंफ्यूज कर दिया आपने, तब भी मैं गेस कर लेता हूं। तो सर बी ऑप्शन, क्योंकि बच्चे बोल लेते ना बी ऑप्शन। मैंने बोला भी नहीं था सर, मैं तो बोल दिया था ये बी नहीं था, बच्चे बोल लेते बी ऑप्शन, मैंने कहा बी कर देते हैं। ओके, साई संदीप इज सेइंग पैराडाइज बिरयानी वो है। ओके ओके, एस्पिरिन इज इनोलाइक गोली, ठीक है ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और उसका यहाँ पर कुछ नीड नहीं था, क्यों नीड नहीं था? सर लीडर बोर्ड के पहले एक्सप्लेनेशन सर, आप इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे आपको लगेगा बहुत डिफिकल्ट था। क्या गिवन है सर, ग्लैमर को भूल के सिंपल आते हैं, 3.65 ग्राम डिसॉल्व किसमें हो रहा है सर, 25.08, ठीक है, 3.65 प्लस 25.68 कितना हो जाएगा सर, 3.65 प्लस 25.68 कितना आएगा सर बताइए, 25 और प्लस 3 28 और 9 29 पॉइंट समथिंग राइट, हां 29 पॉइंट, तो अब इसको करना है 3.65 29.33 29.33 हां, तो इससे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.127। ओके ठीक है, और इससे परसेंटेज निकालना है तो वो हो जाएगा 12.7%। सो सिंपल सा था सर, कुछ नहीं था, मैं इसको लिख देता हूं क्लियरली, क्योंकि थे मैं बताता हूं क्या पूछा है यहां पर। आप देखेंगे इस क्वेश्चन में बात की थी उसने परसेंटेज बाय वेट एंड वेट फ्रैक्शन, एंड वेट फ्रैक्शन, वेट फ्रैक्शन तो क्या होगा, टोटल के अपॉन सॉल्यूट अपॉन टोटल, तो सॉल्यूट का वेट है 3.65 ग्राम, टोटल इन दोनों को ऐड करने पे आ जाएगा, तो वेट फ्रैक्शन निकल गया और उसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकल गई। सो ये था ना धासु, हे माता माता बोल रहा है हार्दिक बंसल। ये तो सर एक मिनट, अच्छा यहाँ पे भी हो सकता था बी ऑप्शन, हाँ बिल्कुल, मैंने इसीलिए उनको पूरे परमुटेशन कंफ्यूज करने के लिए लगाया ताकि थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। सर मैं इधर से नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा था, हेल्प हो जाती है, तो लीडर बोर्ड पे देखते हैं क्या आता है चेंज। जिसने दिया सी उसने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, बिल्कुल सर आपका फैन का क्वेश्चन गलत हो गया सर, कभी गलत हो गया तो। ओके तो वर्जन कैरियर पॉइंट फनिंद्र सीधे फर्स्ट पर, वेरी गुड कांग्रेचुलेशंस फनिंद्र, वेरी गुड, काफी अच्छा बच्चा है सर, वेरी गुड। दिशांत सैनी भी अच्छा बच्चा है सर, हो सकता है नेक्स्ट टाइम ख्याल कर ले, क्रोकोडाइल भाई हमारा भी ख्याल रखो है ना, हैदराबादी पैराडाइज बिरयानी बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है सर। हार्दिक जैन की तो तारीफ कैसे करें, तब भी नहीं है। ब्रेनियक तो सर Myself from बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा बच्चा है। दिविस्ट आई एम, नहीं बेटा आप नूब नहीं हो, ऋषि कश्यप की एंट्री हो गई, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है यही हुआ नूब। अरे तुम तो सारे, अरे यार तुम नूब यार, ऋषि कश्यप की एंट्री हो गई सर, हां वेरी गुड ऋषि, आप खिलाड़ी हो आप अनाड़ी नहीं हो, फुटबॉल की एंट्री हो गई है, रोज नहीं दिख रहा है, स्ट्रॉबेरी नहीं दिख रही, फुटबॉल आ गया सर मेरा, आपका सर स्ट्रॉबेरी ठीक है, और ना ही क्राउन दिख रहा है ठीक है। सो दिस इज अमेजिंगली वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस ऋषि। सिद्धार्थ कुमार इस क्वेश्चन पे सीधे 65 से 25 पे आ गए सर, वेरी गुड। अरे सर यही तो है, कौन सी मेंटी, धांसू मेंटी। संदीप हमारी ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोगों के साथ, साथ हमेशा है, हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम भी हमारे, हमको ऐड कर लेना बस, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 10 सर, तो आज बच्चे मेरे ख्याल से बहुत प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट सीख के ही जा रहे हैं, बिल्कुल। विच इज एसिड इन द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ओ सारे एसिड दिख रहे हैं सर,
सर ऑप्शंस भी है उस अकॉर्डिंग आप देखिए, लेकिन एक को आपने जी फॉर गैस, एल फॉर लिक्विड, ए क्यू फॉर एक्वस, एक्वस तो H2O, CH3COH, HCl, both B and C. Very good, SS Gaming, absolutely good, very good. सर मैं गेस करूंगा इस. बिल्कुल युवराज अपना आंसर यहां बता रहा है, मैं रीड नहीं करूंगा क्या बता रहा है. और हार्दिक बंसल बोल रहे हैं गलत हो गया, तो बेटा मार्क क्यों करा जब पता था कि गलत है. है ना, तो कैसे पहले इनको पता चल गया सर गलत है. सर अब ये तो यही जाने कैसे. मेरा है? भी वही सी ऑप्शन आ रहा था, गैस में वेसिड थोड़ी होता है इसीलिए. बिल्कुल. तो सर 10 सेकंड्स रह गए हैं, सफिशिएंट टाइम दिया है. अरे दो ऑप्शन तो अगर उस लॉजिक से तो एलिमिनेट हो जाएगा, ए और सी बचेगा. आप पता नहीं सर, एक्वस की वजह से सी एच प्लस, लिक्विड ए भी अब पता नहीं सर, जो वाटर में एच प्लस देता है दैट इज एसिड, तो वाटर की तो बात ही नहीं करेंगे. ओके हाँ, तो फिर वाटर में एच प्लस देता है, ऑप्शन नंबर सी. तो सी इज द राइट ऑप्शन. और सर यहाँ तो गजब खेल गजब हो गया, तो 28 मतलब बोथ ए एंड सी, क्योंकि सर एसिडिक एसिड तो गैसियस स्टेट में, गैसियस स्टेट में. मैंने ये बार बार पढ़ाया है तुमको कि एसिड अपनी एसिडिक नेचर मॉइस्चर की प्रेजेंस में ही शो करता है. अगर वो सॉलिड होगा या वो गैस होगा तो वो आंसर नहीं होगा. ठीक है, सो सर ये एक्चुअली जो खेल होता है ना वो हुआ है यहाँ पर. हाँ बिल्कुल हुआ है. मैं अगर मतलब खेल नहीं बोलेंगे, बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन से. 82% गलत हैं, 18% यहाँ पर सही है. सो 10 स्टूडेंट्स हैं जिनका सही था. हाँ तो मतलब हमारे लीडर बोर्ड में कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ही होगा. तो सर जल्दी से आ जाए लीडर बोर्ड पे, तो एक्सप्लेन तो आपने कर दिया, एक्सप्लेनेशन मिल गया बेटा, मिल गया आपको. बिल्कुल आयुष खेल हो गया, बड़ा वाला खेल हो गया. चलिए सर तो लीडर बोर्ड पे देखते हैं. सुजल मेंटी फोड़ेगा और क्रोक सिर्फ दो ही, दो हमारे 10 से दो का सही है. इससे फायदा हो गया सुजल का, उसकी एंट्री हो गई. क्रोक को फायदा हो गया, वापस टॉप पे आ गया. वेरी गुड क्रोक, बहुत अच्छे, वेरी गुड. वर्जन फनेंद्र इज ऑन टॉप और सर कोई चेंजेस नहीं हुआ, सुजल की एंट्री हो गई. शायद यहाँ नहीं दिख रहे पर जो पीछे वाले बच्चे उनको बहुत फायदा हुआ, बहुत फायदा मिला होगा उनकी. मैं जानना चाहूंगा आप चारवी शाह, हेलो बच्चा, हाय चारवी बेटा, जिसने क्वेश्चन सही किया है उनकी रैंक में क्या चेंज आया है आप बताओ. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर कोई 45 पे था तो वो डेफिनेटली 20 तक आ गया होगा. सर संचित का कमेंट एक बार आप रीड करना, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूं. ऐसा बेटा हम तो कह ही रहे ना, आप टाइम लो, क्वेश्चन को सुन लो. मीत महेश्वरी 24 पर आ गया. वेरी गुड मीना शर्मा, हेलो हाय मीना. तो बेटा धांसू क्वेश्चंस, और सर ऐसे क्वेश्चंस में एक चीज और बताना चाहूंगा इनको, धांसू क्वेश्चन ऐसे नहीं लाए कि अगर आज सॉल्यूशन देखोगे तो भूल जाओगे. पावर 3 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब का स्क्वायर, देन ए बाई बी प्लस बी बाई ए विल बी. बताओ भाई, ए बाई बी प्लस बी बाई ए विल बी. लगने में तो इजी लग रहा है सर. सर देखो बच्चा क्या होता है, कभी कभी जरूरी नहीं है कि धांसू का मतलब है कि जो अभी पढ़ा नहीं हो वहां से क्वेश्चन आए. तुमको जो आता है उसमें भी धांसू चीजें छुपी हुई है, जैसा कि तुमने देखा एसिड बेस में कितना बड़ा खेल हो गया. बहुत बेसिक हर बार पढ़ाते हैं तुमको, ऐसे यहाँ पर ना हो जाए. मोक्ष अग्रवाल की 18th पोजिशन आ गई है सर, वेरी गुड मोक्ष. ओके डेविल गेमर, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना. ओके मोक्ष आ जाओ, बिल्कुल आ जाओ जल्दी. और गाइस अगर अभी तक सेशन शेयर नहीं हुआ है तो जल्दी से शेयर करो, जल्दी से सेशन को शेयर करो. और लाइक्स तो बढ़ जाएगा, कितने हो जाने चाहिए अब तक, 100 कर दो बेटा. ठीक है ना, मतलब यार इतनी मेहनत कर रहे हैं असद सर, गावेद सर और गौरव सर तुम्हारे लिए, तो बनता है भाई 100 लाइक्स तो बनते थे अभी तक. टाइम अप सर, देखते कौन सा नहीं कर पाया, पर मैं गेस कर दूं सी फॉर करियर पॉइंट. देख लेते हैं सर, कुछ नहीं आता, लेकिन यहां पे तो कुछ और दिख रहा है सर. तो सर बच्चों ने फिर भी सही कर दिया, वेरी गुड गाइस. तो एक बार सर मैं बच्चों को हिंट दे देता हूं कैसे सॉल्व करेंगे. देख लेना सर, बिल्कुल सर, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना. तो सर इसको मैं अगर एलसीएम लेकर के सॉल्व करूं तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी. इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. बिल्कुल सर, देखो बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब हमारे पास गिवन है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल स्क्वायर. यहाँ पे क्यूब की आइडेंटिटी यूज करो तो आ जाएगा ए पावर 6 प्लस बी पावर 6. ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मींस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर इनटू ए प्लस बी मींस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. जब यहाँ पे सॉल्व करोगे बच्चों तो ये सारा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा. ए स्क्वायर मीन्स ए पावर 6 प्लस बी पावर 6 प्लस 2ab का मतलब हुआ 2a क्यूब बी क्यूब. तो ये सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएगी. तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसको हम इधर ले आते हैं, तो ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए क्यूब बी क्यूब अपॉन थ्री ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो सर यहां से कटेगा तो ए बी आ जाएगा, बिल्कुल इधर ले आइए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू थ्री बाई टू बाई थ्री, तो टू बाई थ्री इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, तो 2 बाय 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? ये बेसिकली 9th मैंने बेटा एक, के स्टूडेंट्स के लिए 1 मिनट से कम टाइम में सॉल्व किया, तो आपको भी सॉल्व करना पड़ेगा, सिंपल सा आइडेंटिटी यूज करना था और सॉल्व करना। ठीक है, दोनों क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जिनको हम आपको एडवांस सिखा रहे हैं, अच्छा सिखा रहे हैं ना, कि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग करना हमारा मेन मकसद है। ठीक है, तो सर लीडर बोर्ड, लीडर बोर्ड मुझे चेंजेस नहीं लग रहे हैं सर ज्यादा। हां, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है लेकिन कुछ एंट्रीज नहीं हुई है। ओके, ब्रेनियक का रॉन्ग हो गया है, फर्स्ट पोजीशन पर हो नाम तो बता दो। तो क्रॉक, फनिंद्रा, दिशांत, हैदराबादी, हार्दिक, माइसेल्फ, अपना नाम बताओ भाई, नेम बताओ बेटा, आई एम नॉट, भी अपना नाम बताओ, देवेस्ट, ब्रेनियक और ऋषि, ऋषि कश्यप। भाई मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर मैं तुम्हारी जगह लीडर बोर्ड पे होता तो मैं तो सब तो नाम बताता, कूद कूद के बताता है ना, जल्दी से अपना नाम बताओ। मीना शर्मा, वन नंबर, ओके ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ए स्क्वायर प्लस 2b इज 7, ठीक है, बी स्क्वायर प्लस 4c इज -7, ओके, सी स्क्वायर प्लस 6a इज -14, देन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विल बी। सर उत्कर्ष गुप्ता बोल रहा, आई एम इन क्लास 10th, कैन आई प्ले दिस? बिल्कुल बेटा, आप ही के लिए तो है, ऐसा क्या जो आपने 10th क्लास में चीजें नहीं पढ़ी है। थैंक यू मीना, थैंक यू मीना शर्मा, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर योर लव, केयर, सपोर्ट। सर काफी अच्छा क्वेश्चन, मैं सर दिमाग लगाने की कोशिश कर रहा हूं बहुत देर से, पर कुछ कार्तिक सिंह ने ए ऑप्शन दिया है, देखते हैं सर। मेरे ख्याल से आईजीएसओ का रिपीटेड क्वेश्चन है, तो बच्चा देख लो आज, बिल्कुल तुम्हारी आखिरी होप है। चलो शाबाश कार्तिक सिंह, बताया ना भी सर ने, चलो जल्दी से यार, कम ऑन 100 लाइक्स बनते हैं सेशन में ना, इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन तक हमें 100 लाइक्स चाहिए, 100 लाइक्स होने चाहिए गाइस। ठीक है, है ना, तो सर ए ऑप्शन, हाँ मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, 14 एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं बच्चे। हाँ, एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था सर। देखो बेटा, ए स्क्वायर प्लस 2b इज 7, बी स्क्वायर प्लस 4c इज -7 एंड सी स्क्वायर प्लस 6a इज -14। सर मैं आपकी हेल्प लूंगा, मैं सारे RHS LHS को ऐड करता हूं, तो दिस इज LHS में हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बिल्कुल सर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसके साथ सर 2b प्लस 4c, 2b प्लस 4c प्लस 6a प्लस 6a, और इधर क्या आ जाएगा सर, ये -7 प्लस 7 कैंसिल, दिस इज -14। सर ए स्क्वायर है और 6a है, बिल्कुल, तो इसके लिए हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना, तो ए स्क्वायर और 2ab मीन्स सर b की वैल्यू हमारे पास 3 है, मीन्स 9 की जरूरत पड़ेगी, तो मैं क्या करता हूं 9 को ऐड कर लेता हूं दोनों तरफ, तो -14 प्लस 9, यही चीज हम सर इसके लिए भी करेंगे, b स्क्वायर प्लस 2b, यहां सर इसका मतलब a की वैल्यू 1 है, तो 1 मतलब हमें 1 इधर ऐड करना पड़ेगा, 1 इधर ऐड करना पड़ेगा, इसी तरीके से इसके लिए c स्क्वायर प्लस 4c, तो c स्क्वायर प्लस 4c है, तो यहां पे बच्चों हमारे पास 2 की जरूरत पड़ेगी, 2 का स्क्वायर दैट इज 4, तो 4 इधर ऐड कर लो, 4 इधर ऐड कर लो, तो ये सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो बच्चों आपके पास आ जाएगा a प्लस 3 का होल स्क्वायर, थैंक यू सो मच एसएस गेमिंग, बी प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस 2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। सर स्क्वायर है सब कुछ, हमेशा पॉजिटिव होगा, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल तभी होगी जब ए भी 0 हो, ए भी 0 हो, ए भी 0 हो, मींस a प्लस 3 अगर 0 के इक्वल है तो a इज -3, अगेन बी इज -1 एंड सी इज -2। अब वैल्यू जब आप पुट कर दोगे तो आपके पास 14 आ जाएगा, 14 बिल्कुल स्क्वायर होगा, क्वेश्चन था। ठीक है, थैंक यू एसएस गेमिंग, थैंक यू सो मच बच्चा, थैंक यू एसएस गेमिंग, नेक्स्ट टाइम से हम सबका भी ख्याल रखना। ठीक है, थैंक यू सबके लिए, सबके लिए, चलिए तो लीडर बोर्ड सर। हां सर लीडर बोर्ड, गलत हुआ है सर मेरा,
सैन क्लब का ब्रेन आई एम नो ब्रेनियक तो ये तीनों नीचे आने वाले हैं ऋषि ऊपर आ जाएगा वेरी गुड ऋषि बहुत अच्छे बहुत अच्छा ऋषि बहुत अच्छे गाइस बहुत अच्छे कंटीन्यूअस अच्छा कर रहा है क्रॉक इज ऑन टॉप फास्टेस्ट दे रहा है सर बिल्कुल वर्जन मिस फनी सेकंड पे सर दिशांत सैनी थर्ड पे हैदराबादी हार्दिक ऋषि दिविस्ट myself from jv sir fine and i am noob and braining sir sanjit ki entry nahi hai case pe aayega aayega sir aayega beech mein aaya to next question pe aa jaye bilkul next sawal pe aate aur wo hoga sir physics ka to bula lete hain sahab ko bilkul sir bilkul ha main samajh gaya thank you ss gaming puri team ki taraf se thank you so much and thank you so much especially meri taraf se bhi thank you so much bachcha to sawal hai which of the following graph is possible भाई डिस्टेंस टाइम डिस्टेंस टाइम डिस्टेंस टाइम और नन जावेद सर का फेवरेट ऑप्शन है नन ऑफ दीज डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात हो रही है यहां पर यस गाइस सो व्हाट शुड द करेक्ट आंसर सर ये क्वेश्चन डिफिकल्ट तो नहीं है ना ज्यादा देख लेना सर हालांकि क्वेश्चन सिंपल ही है अभी लीडर बोर्ड से ओहो आपके फेवरेट ऑप्शन की तरफ गए और बच्चों ने सही भी किया वेरी गुड वेरी गुड बच्चे या तो ये कहेंगे कि हाँ सर बिल्कुल है ना सुजल का बिल्कुल कमेंट सही आया सर डिस्टेंसेस नेवर डिक्रीजेस तो अगर हम चलें एक्सप्लेनेशन भी हो गया है वैसे बोल देते सर आप सारे केसेस में देखोगे यहाँ पर भी डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है यहाँ पर भी डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है और यहाँ पर भी ये डिक्रीज हो रही है बिल्कुल एंड डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस तो यही कॉन्सेप्ट है सर बिल्कुल तो आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा ठीक है बच्चा और लीडर बोर्ड बच्चे समझ गए सर अरे सर धांसू नहीं रहे उनके लिए कुछ भी यस बहुत अच्छा प्रांजल शाबाश सर फिर भी देखो अरे फिर भी हमारे लीडर बोर्ड को देखिए सारे टॉपर्स गलत कर चुके हैं तो यहाँ पे लीडर बोर्ड में परिवर्तन लिया है जावेद सर आप आते ही बिल्कुल यहाँ पर सर क्रॉक ऊपर फनिंद्र दिशांत हार्दिक ऊपर आ गया है बिल्कुल संदीप ऋषि अपना नाम बता दो बच्चा आई एम नूप दिवेश और ब्रैनिक जिनको लगता है नन देखते मार्क और हमारे कुछ यहाँ उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सर नहीं नहीं ऐसा नहीं है सर कुछ बच्चे को तो पता था उन्होंने वैसे मार्क यस सर अगला सवाल लेते सो गाइस बिल्कुल यार सेशन को ना शेयर करो यार लाइक सर अभी तक 100 भी नहीं हुआ सर करवाओ सर कर दो यार 100 तो बनता है ना बिल्कुल ज़ेनफ फादीना हैदराबादी क्वेश्चन अ वेव इज सेंड अलोंग अ स्ट्रिंग बाय ऑसिलेटिंग एट वन एंड इफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इंक्रीज देन स्पीड ऑफ द वेव एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव जहां पर स्पीड ऑफ वेवलेंथ दोनों की बात की गई है सो व्हाट शुड बी इंक्रीज डिक्रीज और रिमेन द सेम सर मुझे क्या लग रहा है बच्चों ने ना सेशन को शेयर कम किया है आज यस सो इसलिए ये है ना वॉचिंग और लाइक्स नहीं आ रहे हैं तो जल्दी से सेशन को शेयर करो यार अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर तो करो सेशन को इतना कर ही सकते हो यार और स्पेशली मैं तो एक चीज बता रहा हूँ सर जो यहाँ पर लीडर बोर्ड पे है ना उनको तो कम से कम 5 फ्रेंड्स बना लेना चाहिए इतनी मेहनत कर रहे हो लीडर बोर्ड पे आ रहे हो अगर ये लीडर बोर्ड पे आना अगर आप अपने फ्रेंड को नहीं दिखा सकते फिर क्या मतलब आने का नहीं मतलब तो है पर उससे तुम थोड़ा शो ऑफ कर पाओगे है ना ये भी जरूरी है चलो सर खेलो अरे सर बिल्कुल मतलब इक्वल इक्वल ए और बी में ऐसा क्या था स्पीड इंक्रीज वेवलेंथ इंक्रीज तो काफी गलत कर रहे हैं काफी बच्चे गलत कर गए फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है और अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी तो उस केस में स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ हो जाता है और टेंशन इंक्रीज होने पर क्योंकि फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन म्यू और यहाँ पर एम म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ तो टेंशन इंक्रीज करने पर स्पीड भी इंक्रीज होगी और स्पीड इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ भी इंक्रीज होगी यानी कि दोनों इंक्रीज होगी बच्चे तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बच्चे कह रहे हैं सर जहां पर ऑल ऑफ दीज दिखे नन ऑफ दीज दिखे बोथ दिखे वो देखो और आंसर मार्क कर अरे यार ऐसा नहीं होता बच्चे ना आदित्य देव का हेलो हाय बच्चा हो गया ऐसा लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता सर बिल्कुल ओके सर तो आगे बढ़े सर ये चला आगे बिल्कुल लीडर बोर्ड की यस सर लीडर बोर्ड बिल्कुल सर हार्दिक बंसल की एंट्री हो गई सर ओ वापस से सर ये खेल हो गया क्वेश्चन से यार सर आप क्या कर रहे हो हार्दिक ऊपर आ जाएगा आई थिंक सेकंड या थर्ड पोजीशन पर सेकंड पर आ गया हार्दिक और सर मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ ये जो बच्चा है जो भी है नाम इसने अभी तक बताया नहीं बहुत टाइम से सर फर्स्ट रैंक को फर्स्ट अपनी पोजीशन को सिक्योर करके बैठा हुआ है और लीड देखो सर उसने बहुत अच्छी लीड ले ली है सर मेरे को बिल्कुल आप 10th पे ले आए हो ऐसा मत करो सर सर लीड ज्यादा नहीं है सर सर 900 ही है तो हार्दिक ले ले गोल्डन चांस है बच्चे फाड़ू मेंटी है ना बिल्कुल इस केस में दासू मेंटी मेंटी में आप थैंक यू हर्षित थैंक यू सो मच चले सर अगले सवाल की तरफ सर मैं अपने माई सेल्फ जीवी सर वाले थोड़ा जोश में आ जाओ और ऊपर आ जाओ ऐसा मत करो क्वेश्चन नंबर 15
कैफीन हैज अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 194 इट कंटेन्स 28.9% बाय मास ऑफ नाइट्रोजन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ इट और सर मैं आपको बता दूं बिल्कुल भयंकर खेल है आपका नाम हाँ बहुत ज्यादा खेल होगा सर खेल होगा बिल्कुल सर तो गाइस बिल्कुल है ना अभी भी हालांकि टूवर स्टूडेंट आंसर मार्क कर दिया है फिर भी टाइम रिमेनिंग है और जैसा कि गौरव सर ने कहा खेल होता चाहूंगा तो आप जावे सर आप भी और सर आप भी इस पे गेस जरूर करें आंसर शक्ति स्वराज आपका नेम ले दिया यार डोंट वरी ना शक्ति स्वराज हंस भी रही है पता नहीं उसकी हंसी का रीजन क्या है हमें भी बताओ यार हम भी हंस ले थोड़ा मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा रीड कर देता हूँ आपको 194 मॉलिक्यूलर वेट दिया है कैफीन का उसमें बोला है 28.9% बाय मास नाइट्रोजन है सो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ इट वन मॉलिक्यूल ऑफ इट ओके बेटा धांसू है ना तुम्हें पता लग जाएगा धांसू कैसे होते हैं आज क्वेश्चन ऑप्शन बी होगा क्या बी के साथ आप जा रहे हैं अच्छा सर सर डी के साथ ये बी और डी तो आप दोनों के लिए रखे थे सर मैंने क्योंकि आंसर तो ऑप्शन नंबर सी है सिर्फ फॉर क्लियर पॉइंट ये जो 10 टू द पावर वाले ऑप्शन है ना ये तो रखे इसलिए थे कि तुम देखो और मार्क कर दो क्योंकि सिर्फ वन वैली क्यू वेरी गुड सूजल मैंने वन मॉलिक्यूल पूछा था सर वन मोल नहीं पूछा था अच्छा वन मॉलिक्यूल वन मॉलिक्यूल पूछा था सर आप तो हमारे साथ ही खेल रहे हो सर बिल्कुल बनता था ना बिल्कुल बनता था तो एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ सर इसकी और ये देखो अभी संचित ने पूछा आई डोंट नो फॉर द गेमिंग बट को गेमिंग बॉडी को मैं बता देता हूँ बच्चे मेंटी का कोड प्लीज मुझे भी मेंटी का कोड सर 5640437 अब बताइए तो सर सूजल संचित पूछ रहा है कैफीन का फॉर्मूला उसको नहीं पता था इसलिए वो नहीं कर पाया रिक्वायरमेंट नहीं है यार रिक्वायरमेंट नहीं मैं अगर ऑलरेडी वहां पे मैं बिना कैफीन के फॉर्मूले से सॉल्व करता हूँ सर देखिए सर क्या करना था बिल्कुल सर कैफीन का फॉर्मूला जो भी हो हाँ. उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है सर 194 और उसमें नाइट्रोजन कितना है 28.9% सो 28.9 अपॉन 100 इनटू 194 कर लो यस सर ये नाइट्रोजन आ जाएगी तो ये नाइट्रोजन का मास आ जाएगा व्हिच इज 56 अराउंड आएगा सर इतना ही आएगा ना रफली अगर मैं कैलकुलेट करूं 56 के अराउंड आ जाएगा बिल्कुल इतना आएगा ठीक है अब 56 नाइट्रोजन का मास आया तो नाइट्रोजन के एक एटम का मास 14 होता है Yes, तो 56 by 14 तो नाइट्रोजन के 4 एटम्स का मास ही तो ओके तो एप्रोक्सीमेटली 4 होगा तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर मॉलिक्यूलर वेट होता है वो तो एक मॉलिक्यूल का ही तो वेट होता है तो एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का वेट 56 तो नाइट्रोजन के कितने एटम्स 4 एटम्स बिल्कुल रिवांश कोरी अगर आप भी चाहो तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो डोंट वरी आप इतने लेट भी नहीं हो नहीं क्वेश्चन बचे हुए सर अरे और मैं बता रहा हूं परफॉर्म करो यार ना कैसे करना है और एक बार सब अपनी रैंक भी बता दो यार मतलब आपकी क्या चल रही है रैंक मेंटी में एक बार टाइप कर दो है ना बिल्कुल यस ठीक है सो आई नो मेरे बच्चों को समझ में आ गया होगा यहाँ पर चलो ओके चलिए लीडर बोर्ड में खेल कर दिया आपने मुझे लग रहा है सर हो गई नई एंट्री सर मैं तो जीवी सर तो बाहर ही हो गए यहाँ से तो सर ये कार्तिक है ना मेंटी टॉपर होगा आज का सो हार्दिक और सर दो दो हार्दिक वेरी गुड हार्दिक हार्दिक जैन 10th दी यहाँ पर हार्दिक जैन 9th क्लास दोनों फर्स्ट और सेकंड पर हैं सर वो कहाँ चला गया क्रोको कहाँ चला गया अरे क्रोको ने अपना नेम चेंज कर लिया सर पॉसिबल है क्या नहीं सर वो नेम तो चेंज ऐसे पॉसिबल नहीं है और अगर किया है तो वो उसका हार्दिक जैन जो 10 डी का है उसने किया है सो दैट्स वेरी गुड हमको कोई प्रॉब्लम नहीं उससे कैसे हो सकता है सर नेम चेंज हार्दिक जैन देन दिशांत सैनी देन वर्जन करे फनेंद्र हैदराबाद दैट संदीप ऋषि दिविस्ट आई एम नो कार्तिक मेंटी टॉपर होगा आज का लीडर बोर्ड में तो आ गया और हार्दिक बंसल ओके वेरी गुड यार वेरी गुड बहुत बढ़िया सो बच्चे रैंक बता रहे हैं सर आपको सोहिनी इज ऑन 16th केदान इज 33 हर्षल 57 स्नेहा 36 उत्कर्ष 54 वेरी गुड ऑल द बेस्ट वेरी गुड ऑल द बेस्ट सोहिनी राय जो है 16 पर है और सर फनिंद्र कह रहा है कि मैं बुद्धू हूं जो इतना इजी रहूंगा अरे यार बेटा सीखने के बाद इजी लगता है इसलिए सीख के जाओ आज ठीक है चलिए हार्दिक था बिल्कुल बिल्कुल सर क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं सर SS Gaming 19 पर है सिद्धार्थ कुमार 44 पर ओके गाइस बिल्कुल तो if the table of atomic masses were established with the oxygen atom okay. और उसको value assign करते 100 then the mass of carbon would be approximately क्वेश्चन आप कितना लाए थे क्वेश्चन मतलब खेलोगे आप हमारे साथ में आप बच्चों के साथ खेलते हो आप हमारे साथ भी खेल रहे हो सर बिल्कुल ओके
If a table of atomic mass was established with the oxygen atom in the SN value of 100, then the mass of the carbon will be approximately. ऑक्सीजन को आपने 100 कर दिया सर जी सर कार्बन का मास कितना होना चाहिए ऑक्सीजन का सर 32 तो उसको 100 कर दिया आपने 32 अपॉन 100 इनटू 12 कर देंगे कर दीजिए सर होगा कुछ उससे सर मैं ये कहना चाहूंगा आपने कॉन्सेप्ट तो शायद सही पकड़ा okay. पर आप ऑक्सीजन का मास गलत पकड़ते हैं बच्चे सही बोलते हैं गोरो सर की कैलकुलेशन गजब की है बिल्कुल बिल्कुल ठीक है क्लियर बेटा हमने उसको सेट किया है दोबारा संचित इसलिए फर्क पड़ेगा उसके मास पर ठीक है सर लीडर बोर्ड पे देख लेते हैं 3:4 का रेशियो और कुछ नहीं करना उसमें सर सर यार टॉपर्स तो सही कर गए सर सारे सर बिल्कुल सब पकड़ लिया है सभी ने बिल्कुल दिव्य अभी भी वही पोजीशन हार्दिक ने बना रखी है 240 पॉइंट्स के अराउंड से लीड है उसके पास दोनों हार्दिक में फाइट है मतलब हाँ, सर देन दिशांत फनिंद्र संदीप दिव्यश ऋषि कार्तिक हार्दिक बंसल और सर मतलब आज सर, के मेंटी में 10 में तो 3 हार्दिक है और तीनों अलग अलग हार्दिक है तो वही मैं पूछना था हार्दिक दोनों सेम ही यार डिफरेंट डिफरेंट मतलब मैं तो कह रहा हूँ हार्दिक की नाम रख लो मेंटी में आने के लिए चलिए सर ओके प्रतीक खुशावा का बड़ी देर बाद कोई सही आया है ओके ऋषिका का भी कई कनेक्ट हुआ है ऋषिका एक बार अपनी रैंक बता दो हमें जल्दी से ऋषिका वेरी गुड ऋषिका बहुत बढ़िया बच्चे बहुत बढ़िया वेरी गुड नीत महेश्वरी वेरी गुड मैं तो यही कहता हूं सर क्वेश्चन रॉन्ग हो या करेक्ट हो असद सर को भेज दूं मैं सर हां सर बिल्कुल आ जाइए असद सर इफ ए माइनस बी और डी ऑप्शन यहां पर शो हो रहा है थोड़ा ध्यान रखना है ना समझ सुना डी ऑप्शन नहीं था डी यहां दे रखा है तो असल सर बिल्कुल जल्दी से आ जाइए आप ओके सुजल सुजल बोल रहा है सर मेरा और टॉप 10 में केवल 3 पॉइंट का डिफरेंस है सुजल बिल्कुल आ जा यार है ना ले ले तू भी टॉप 10 में आ जा बिल्कुल हम तो चाहते हैं आ जाओ तुम भी बिल्कुल मीट माहेश्वरी बिल्कुल सही कहा यस तो गाइस लाइक द सेशन एंड शेयर विद योर फ्रेंड आल्सो बिल्कुल वेरी गुड गाइस बहुत अच्छे तुम्हारा नेट का एक्सक्यूज कब जाएगा बेटा ऋषिका नेट 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 चला जाता है नेट जाता है इसका यार नेट चला जाता है लोग आरडी बंसल ने बोला कि मैंने कर भी लिया है डिस्चार्ज हो जाए ठीक है नेट कैसे चला जाएगा डेटा पैक लो टाइम्स अप सर ये क्या हुआ सर ये क्या हो गया 10 हो गया अरे ये क्या करा सर आपने इतना मतलब इतना टफ क्वेश्चन है क्या सॉल्व करना 26% स्टूडेंट का आंसर मतलब करेक्ट है सॉल्व करूं क्या कर मैं देख लेता हूँ तो सर अगेन स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर का सम जीरो के इक्वल है ये कब पॉसिबल होगा जब ये जीरो के इक्वल हो या फिर इसकी वैल्यू जीरो जब बेटा इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल करो सर ए की वैल्यू 5 आ जाएगी और सर यहाँ की वैल्यू यहाँ पे आएगा बी इज इक्वल टू सी यहाँ सी इज इक्वल टू डी मीन बी सी डी आपस में इक्वल है इन दोनों इंफॉर्मेशन से b is equal to c is equal to d अब इस इंफॉर्मेशन को यूज कर लेते हैं इसकी वैल्यू मैं x अज्यूम कर लेता हूं तो यहां सर b plus c plus d की वैल्यू 9 के इक्वल आ जाएगी तो सर x plus x is equal to 9 तो यहां से x की वैल्यू आ गई 3 तो bcd 3 के इक्वल होगा गाइस a is 5 bcd is 3 तो 5 plus ओके ऋषि का फाइन बच्चे बिल्कुल समझ गए हम आपके प्रॉब्लम इनटू सर 3 plus 3 plus 3 तो काफी इजी क्वेश्चन था 11:9 और एक काफी फेमस क्वेश्चन होता है सर स्टेज 2 के लिए इस टाइप का तो 99 इसलिए मैंने दो क्वेश्चन यहां पे पुट कर दिया तो 99 इज द राइट आंसर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं वाह सर हां बच्चे सोच रहे होंगे हां यार कर क्या रहे हैं सर ठीक है वेरी गुड बहुत अच्छे सोशल सर हमारे दो दो हार्दिक एक हार्दिक को रिमूव करना पड़ेगा क्या अलग अच्छा 10th क्लास का ठीक है दिशांत सैनी ऋषि कश्यप दिविस्ट वर्जन हैदराबादी बिरयानी ब्रेनियक हार्दिक बंसल 3 हार्दिक आ गया सुजल मेंटी फोड़ेगा बिल्कुल बेटा सुजल बहुत अच्छे फोड़ दो यार नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं सर अब थोड़ा फास्ट करा दें क्या बिल्कुल सर मैं भी चाह रहा हूं करा लो सर बिल्कुल थोड़ा फास्ट चलते हैं सर बिल्कुल इफ a1 + a2 ... a19 आर द फर्स्ट 19 टर्म
of an AP, then A1 and A1 plus A8 plus A12 plus A19 is 2 to 4. Then आपको बताना है summation of, इसका मतलब होता है बेटा A1 plus A2 till A19 की value क्या होगी. Means summation of first 19 term of that AP. And you have options 896, 1064, 1120 and 1164. So guys, yes. हाँ बिल्कुल, क्लास में कराया था. देखो संचित को याद रहती है चीजें. वेरी गुड संचित. तो सर संचित यही तो यही तो इसकी आदत मुझे अच्छी लगती है सर. एक आदत बेकार लगती है, रिपीटेड मैसेज. सर बच्चा है सर, सीख जाएगा. हाँ बिल्कुल बच्चे, लेट्स लर्न. बहुत देर बाद सही हुआ सर इनका. बच्चा अच्छी बात है कि आपका कुछ तो करेक्ट हुआ यहाँ पर. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. हरियाणा एनटीएससी का रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी देख लेते हैं हरियाणा का है या फिर बिहार का है. तो फिर सचिन को सर करेक्ट होगा इस बार, टॉप 10 में है बच्चा ऑलरेडी. बिल्कुल, ये सुजल को सब चल गया परसों करवाया था. बहुत बढ़िया सर, चलिए खेल हो गया क्या सर? नहीं सर, हमारे बच्चों ने इस बार तो सर मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूं. सर यहां पे एक न्यू ऐड करना, प्लस कर दो, प्लस 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 प्लस. देखो बेटा अगर आपके पास कोई भी एपी है 1 2 3 4 5 6 7, आप 1 प्लस 7 फाइंड आउट करो, 2 प्लस 6 फाइंड आउट करो, 3 प्लस 5 ऐड करो या फिर 4 प्लस 4 करो, आंसर हमेशा आया 8. मीन्स ये एपी की प्रॉपर्टी होती है, सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज ऑलवेज सेम. बस इसी प्रॉपर्टी को यूज करना था. ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूं. हमारे पास गिवन बेटा टोटल कितने टर्म है, A1, A2 टिल A19. तो यहां से बेटा जो A1 प्लस A19 होगा वही A2 प्लस A18 होगा, वही A3 प्लस A17 होगा. आपके पास गिवन है बेटा A1 प्लस A19, मैं इसको x अस्सुम कर लेता हूं. तो बेटा A8 प्लस A12 भी कितना होगा, x होगा, क्योंकि दोनों टर्म एंड और बिगिनिंग से सेम है. इसका सम 20 हो रहा है, यहां भी सम 20 हो रहा है. इसका मतलब दोनों टर्म क्या है, इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम एंड एंड बिगिनिंग. तो इसकी वैल्यू भी हो जाएगी x. तो बेटा 2x की वैल्यू 224 है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 112. यस सर, इसका मतलब सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आ गया 112. आपसे पूछा गया था कि SN क्या होगा, SN is n by 2 a plus l, a भी फार्मूला होता है. N is 19, तो 19 by 2 into a plus l की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर लिया 112. इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2 5 10, तो 19 into 56 is 1064 is the right answer. तो b is the right answer. बिल्कुल सर, ठीक है. और सुजल मैं आपको बता देता हूं, बिल्कुल बच्चा, हम सारे सभी के मैसेज हम देख रहे हैं. बिल्कुल, हेलो संचित. ओके चलिए सर, लीडरबोर्ड सर. लीडरबोर्ड, यस. क्वेश्चन लंबा था सर, मुझे लग रहा है. देखो गौरव सर वहां पहुंच करके एंट्री करा दी है. बिल्कुल, इसका मतलब गौरव सर तो ही नहीं है सर. ये टॉप में सर बच्चों ने आंसर तो करेक्ट दिया, लेकिन काफी टाइम बाद दिया सर. अच्छा, काफी टाइम दिया, मतलब अच्छा क्वेश्चन था. हार्दिक जैन एंड हार्दिक, अगर इन दोनों में पॉइंट का डिफरेंस देखोगे तो 200 पॉइंट का डिफरेंस है. इधर अगर आप पॉइंट का डिफरेंस देखोगे तो 400, इधर है 700. बिल्कुल, मींस फिर 100 पॉइंट का हार्दिक जैन ऑन टॉप, देन अगेन 500 इधर. सर 9379 एंड 9373, दैट इज ओनली 6 पॉइंट का डिफरेंस है. हार्दिक बंसल और मायसेल्फ फ्रॉम जीवी सर फैन क्लब एंड 8961. वेरी गुड, बहुत अच्छे सभी लोग, अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छे, वेरी गुड गाइस. हार्दिक बंसल मायसेल्फ ब्रैनिंग. चलिए सर अगला क्वेश्चन, सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. So question number 19 guys, on your screen now. The question dekho, aap read karoge sir aise. Consider statements about light and sound. Choose the most appropriate options. When light and sound travel air to water, light bend. Air to water, light bend. Air to water, light bend sahi hai. Towards the normal, while sound bend away from the normal. Sound is longitudinal wave, while light is transverse wave. Ab statement A, B, C, O, D, S. ये भी इम्पोर्टेंट है, स्टेटमेंट टू करेक्ट है या नहीं है वन का. दिस इज इम्पोर्टेंट, बच्चों ने मान लिया सर. बच्चे सर काफी टैलेंटेड हो गए सर, एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या सर? सर कोई रिक्वायरमेंट नहीं, अलग ही बता देता हूं. बोल दो सर. गाइस लाइट और साउंड दोनों की स्पीड वेरी करती है. एयर से वाटर में जाने पर लाइट की स्पीड डिक्रीज होगी तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, और साउंड की स्पीड इंक्रीज हो जाती है. मीडियम चेंज हुआ तो एयर से लिक्विड में साउंड की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी. तो बिल्कुल है ना, स्पीड इंक्रीज होने पर साउंड
मूव होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बट जो ऑप्शन नंबर टू था दैट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. सो यहां पर जो करेक्ट आंसर रहेगा इट विल बी द ऑप्शन नंबर बी. वन टू दोनों करेक्ट है लेकिन बी ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं था. बिल्कुल. तो सर मुझे लग रहा है इस बार ओ दोनों हार्दिक का रॉन्ग हो गया, लेकिन सर काफी ज्यादा लीड इसने बनाया था. अब यहां से इक्वल हो जाएगा लीड इससे. दिशांत वापस अब आएगा, दिशांत सैनी टॉप पे आ गया, हार्दिक जैन सेकंड पे, हार्दिक जैन थर्ड पे, देन ऋषि वर्जन दिविस्ट हैदराबादी एंड ब्रेनियक हार्दिक मायसेल्फ जीवी सर. अगर पॉइंट के डिफरेंस की बात करूं तो सर ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ओनली 100 पॉइंट का डिफरेंस. वेरी गुड दिशांत, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए. ये भी एनटीएससी था. ओके बता रहा था ये बच्चा भी. सर एनटीएससी 2 की ही प्रिपरेशन करा रहे हैं अपन. बिल्कुल सर, अरियन त्रिपाठी ने बोला ये भी एनटीएससी का था. बहुत अच्छा बच्चे. अ बलून हैज 5 ग्राम ऑफ एयर. सिंपल क्वेश्चन है सर. अ स्मॉल होल इज पियर्स्ड इनटू इट, द एयर एस्केप्स एट अ यूनिफॉर्म रेट विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकंड. If the balloon shrinks completely in 2.5 seconds, then the mean force acting on the balloon is. So guys, आपको find out करना है जो force apply हो रहा है balloon पर. लेकिन unit का भी ख्याल करना होगा सर बच्चों को. Seconds. Yes. संचित बोल रहा था 11th class का NCERT question. इजी क्वेश्चन है कर देंगे सर बच्चे. सिंपल क्वेश्चन. वेरी गुड संचित, बहुत बढ़िया. अब देखता आंसर तुम्हारा करेक्ट रहेगा नहीं रहेगा. डी ऑप्शन यूनिट भी है सर यहां पे. हां सर ऑप्शन न्यूटन तो होगा नहीं, डाइन होगा. हां डाइन होगा सर. बिल्कुल. सो ऑप्शन सर हमारे सभी स्टूडेंट का करेक्ट रहा सर. ये तो मेजॉरिटी सही है, खेल होगा लेकिन मेजॉरिटी सही है. से एक्सप्लेन नहीं करेंगे, कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है. फिर एक्सेलरेशन निकाल करके उससे मल्टीप्लाई करना है. सारे टॉपर ने सही किया बिल्कुल सर. और कोई नई एंट्री भी नहीं है मेरे ख्याल से. काफी लेट आंसर दिया इसका. हाँ अब वो टॉप पे आ गया है. लगा भाव कि मेरी रिंग चला ना जाए. और हार्दिक जैन टॉप पे आ गया, दिशांत इज ऑन सेकंड, देन हार्दिक, ऋषि, वर्जन, दिविस्ट, हैदराबादी. ये दिशांत दो हार्दिक के बीच में फंस गया सर. बिल्कुल सर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे. यस सर. सो गाइस यार लाइक 100 तो कर ही सकते हो ना आप. 100 लाइक तो बनते हैं यार. कर देंगे सर बच्चे, कर देंगे सर. आप बोलो सर, मेरे कहने पे तो नहीं कर रहे हैं सर अभी. सर कर देंगे, लास्ट तक कर देते हैं. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, फिर से क्वांटम नंबर आ गया. सर सर को बुला दो आप. सर ये वही है, एक बार मैं ट्राई करूंगा. 3s ऑर्बिटल. यस बिल्कुल. तो मैंने कहा था कि इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन आज दोबारा आएगा. सो वो आ गया है. लो सर मैं दूर से देखता हूं आपके लिए. सर 3s ऑर्बिटल मैंने दे दिया इनको, उसके लिए इनको क्वांटम नंबर्स फाइंड आउट करना है. थ्री एस ऑर्बिटल के लिए क्वांटम नंबर्स निकालने सर, ये बस इतना सा ध्यान रखना है. बच्चे बोल रहे हैं काफी सिंपल है सर. सिंपल तो है सर. सिंपल तो होगा सर, क्योंकि समझा दिया ना कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट समझा दिया और आज ही क्वेश्चन दे दिया तो सिंपल हो गया. बी फॉर भूम भूम. संचय धूम मचा लो फिर. अदिति अग्रवाल हाय अदिति. ओके बच्चा. अच्छा सुजल. अच्छा बहुत अच्छा, वेरी गुड. सिंपल लड्डू और हलवा. कंफ्यूज हो गए बच्चे. बिल्कुल बिल्कुल. तो सर एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा. एक और. तो सर यहां पर बच्चों ने जो खेल हुआ मैं बताता हूँ क्यों हुआ. हम n की वैल्यू देखते हैं 2, तो n की वैल्यू के लिए 0 पॉसिबल है. बिल्कुल. पर यहां पर हम 3s की बात कर रहे हैं, तो हमें ये तो मान लिया कि n की वैल्यू तो 3 है. बिल्कुल. सब उस पे सॉल्व करते हैं. तो ये खत्म हो गया. अब 3 ऑप्शन रह गए. अब n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू क्या हो सकती है? इट कुड बी 0, इट कुड बी 1, इट कुड बी 2. अब l की वैल्यू फिक्स्ड है 0 के लिए, क्योंकि s भी गिवन है. अच्छा, फॉर s l इज 0. फॉर s l इज 0. तो सो वो क्या है? वो ये है. एक ही ऑप्शन बचा. और फिर उसके बेसिस पे ये m की वैल्यू 0 हो जाएगी. ठीक है, ठीक है. तो इसलिए मैंने कहा था कि आधा मैंने सिखा दिया, आधा तो कुछ सीखोगे. तो अब ये भी मैं बता देता हूं, यहां पर क्लियर कर देता हूं. l की जो वैल्यू होती है 0 होती है s के लिए. जब मैं P की बात करता हूं तो L की वैल्यू 1 हो जाती है. D की बात करता हूं तो L की वैल्यू 2 हो जाती है. और जब मैं F की बात करता हूं तो L की वैल्यू 3 हो जाती है. अब ये याद रख लेना, चीज आपको याद रखना, ताकि आगे गलती नहीं होगी. सिद्धार्थ कह रहा है संचित से B भूम भूम, D धूम धूम. अच्छा, बिल्कुल. चलो तो सर
सारे बच्चों ने टॉपर का गलत है, रॉन्ग कर दिया। ओ दिशांत फर्स्ट पे आ जाएगा, हार्दिक जैन सेकंड पे आ जाएगा और हार्दिक जैन टेंदी थर्ड पे आ जाएगा। ऋषि इज ऑन फोर्थ, वर्जन कैरियर पॉइंट दिविस्ट हैदराबादी पर, ठीक है सर बहुत देर से नेम ले रहे हैं, हार्दिक बंसल ब्रेनियक एंड माई सेल्फ फ्रॉम जीवी ये 10 पे ही है सर। वेरी गुड गाइस, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे सर इसमें मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी थोड़ी सी। क्या है सर, पीएच है क्या? तो सर अब आपने बोल दिया तो ठीक है। इफ एच प्लस एन इज इक्वल टू 5 बाई 3 इनटू 10 पावर माइनस 4 देन फाइंड द पीएच। अच्छा, और हिंट दिया तब भी खेल हो जाता है। अभी सिर्फ 12 स्टूडेंट ने मार्क किया है। जावेद सर कह रहे हैं मुझे सॉल्व करना है, मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा। सर सारी वैल्यूज दे दी है पर तो वैल्यू का प्रॉब्लम नहीं है, ये नहीं कह सकते कि मैं लॉग की वैल्यू नहीं पता थी, कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो टाइम दिया है उसके लिए हमने इनको। सर बताओ इसमें से कुछ बच्चे क्या कर रहे होंगे, आप इन तीनों को एक बार ऐड करना, लॉग 5 लॉग 4 लॉग 3 वो भी ऑप्शन में दे दिया। बिल्कुल सर वो ऑप्शन में मतलब 2.17 के आसपास, तो वो वैल्यू दे दी है मैंने। सारे ऑप्शन आप ही ने बनाए क्या सर? बिल्कुल सर। So, जावेद सर गए हैं बी के साथ, मेजोरिटी गई है बी के साथ और सही जवाब भी है बी। सर मैं बताऊं क्या होता है, कभी कभी सरप्लस इन्फॉर्मेशन गलत हो जाती है। लॉग 4 की वैल्यू की जरूरत ही नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी लॉग 4 की वैल्यू का, रिक्वायरमेंट ही नहीं था लॉग में, तो क्यों नहीं, बिल्कुल क्योंकि वो तो 4 वहां से कैरी हो जाएगा। तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ फटाफट से, सॉल्व ही कर देता हूँ। मतलब ये क्वेश्चन है सर, बच्चों को बताया जब हम बात करते हैं पीएच तो वो होता है माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस। एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हमारा क्या गिवन है, माइनस टाइम्स ऑफ लॉग 5 बाई 3 इंटू 10 की पावर माइनस 4। ठीक है सर ये हो गया। तो अगर मैं इसको यहां लिखना चाहूं तो माइनस लॉग, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं या फिर मैं माइनस बाहर छोड़ देता हूं, बिल्कुल लॉग 5 बाई 3 माइनस लॉग 3 लिख सकता हूं सर, बिल्कुल। और ये जब आगे सॉल्व हो जाएगा तो दिस विल माइनस 4, सिंपल वैल्यू आ जाएगी माइनस 4। लॉग 5 की वैल्यू क्या है सर, 0.6 माइनस 3 की वैल्यू 0.4 0.4 माइनस 0 माइनस सॉरी 4 माइनस 4.4 सो ये माइनस में आएगा और बाहर माइनस का साइन ऑलरेडी था, तो दिस विल बी प्लस 3.778। ठीक है सिंपली इसमें लॉग का कांसेप्ट यूज करना था। ठीक है परेशान जो मैंने किया वो लॉग 4 की वैल्यू देके, ये इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी कि लॉग 4 की वैल्यू दी जाए तुम्हें। हेलो अमन गुड इवनिंग, ठीक है बिल्कुल। चलिए सो सर हम लीडर बोर्ड पे आ जाएं, आई थिंक लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस बचे हैं हमारे साथ, तो आज का मेंटी के हम एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, एंड गेम की एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। 200 मेंटी को हम यहीं पे आज एंड कर देंगे सर, बहुत लोगों का सर ये देखिए ये होता है सर क्वेश्चन न्यू बना, तो ऋषि कंटिन्यूअसली जो आंसर कर रहा है उसका फर्क देखिए सर आप। वेरी गुड ऋषि, कांग्रेचुलेशन ऋषि इज ऑन द फर्स्ट नाउ, बहुत अच्छा वेरी गुड। हार्दिक जैन केमिस्ट्री लेट डूबी बेटा, केमिस्ट्री लेट नहीं डूबी सर, ये सिखा रही है संघर्ष करना, असद सर फैन है इसलिए लेट डूबी इसको केमिस्ट्री, है ना? नहीं बेटा आपको सारे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना होगा, ये इससे आपको संघर्ष करना आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सात्विक गिरी जीवी सर फैन क्लब में, जीवी सर फैन क्लब, ओके सात्विक थैंक यू फाइनली रिवील कर दिया, हम सबका भी ख्याल कर लेना। तो सर ऋषि अपनी कंटीन्यूअस मेहनत से सर फर्स्ट पे है, वेरी गुड बहुत अच्छा। दिशांत हार्दिक हार्दिक पनिंद्र हार्दिक जैन टेंडी डिविस्ट संदीप ब्रेनियक बंसल और दिस इज सात्विक, नहीं दिस इज हाँ सात्विक गिरी। ओके सर तो अगले सवाल पे चलें, बिल्कुल सर। तो अभी तक सर इस टफ मेंटी में भी 3 क्वेश्चन बचे हैं और अभी तक फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पोजीशन ओपन है बिल्कुल। कोई भी कहीं भी आ सकता है, इतनी टफ फाइट, इतना टफ मेंटी और इतना टफ कॉम्पिटिशन चल रहा है, मजेदार लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छे गाइस, शाबाश गाइस शाबाश। इफ एक्स वाई जेड आर 3 पॉजिटिव नंबर्स देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ y plus z by x plus z plus x by y plus x by z x plus y by z is, मतलब एक बार डिनोमिनेटर में x है, एक बार y, एक बार z है और बाकी उसके अपोजिटली चल, और 3 पॉजिटिव नंबर्स हैं आपने बता दिया, x and y z are पॉजिटिव नंबर्स, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। सिद्धार्थ कुमार उस क्वेश्चन के बाद सर 45 से सीधे 25 पे आ गया है। अंजुम आ रहा, हाय अंजुम हेलो गाइस, मैं अभी भी ये बोलना चाहूंगा शेयर करो सेशन को, अगर अभी तक शेयर नहीं किया है सेशन को जल्दी से शेयर करो, शेयर विद योर फ्रेंड्स यार गाइस, शेयर द सेशन, शक्ति यहां पे आंसर नहीं देना है बेटा,
अलीहंत आपको यहाँ पे आंसर नहीं देना है, आपको मेंटी पे आंसर देना है। सर ये कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए तो नहीं देते? हाँ, कि सामने वाले सही करता करता गलत कर बोर्ड में आ जाए। हाँ, यह भी ट्रिक होती है। वसंत भाई शर्मिली हेलो हाय, सुजल कह रहा है उसने लेट किया आंसर, पर सही किया होना चाहिए सुजल, दैट इज इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने सही आंसर दिया। मैं कॉन्सेप्ट जल्दी से बच्चों को बताता हूँ, फिर लीडर बोर्ड पे आ जाएंगे सर। चलिए सर, सर यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ, आप देखना हमारे पास इतने टर्म में क्या है, इसको y by x लिख सकता हूँ, बिल्कुल, इसको z by x, और then z by y, x by y, x by y, x by z, x by z, y by z, y by z, ये ना? जी सर। तो बेटा इसमें हम यूज करेंगे वही कॉन्सेप्ट की अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। बिल्कुल आदित्य अग्रवाल ने बिल्कुल सही बोला, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ओके, अर्थमेटिक मीन जब इसको ऐड करोगे तो हमारे पास टोटल सर 6 टर्म है। okay. तो ऐड करने से बेटा ये वाली सारी वैल्यूज आ जाएगी। इसको मैं ले लेता हूं p, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। और टोटल नंबर ऑफ टर्म इज 6। ओके, इज ग्रेटर आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट नहीं सर, 6 रूट होगा, क्योंकि यहाँ पे 6 टर्म्स है। जब सब सर हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और सर एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, नहीं x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, y से y कैंसिल आउट, z से z, मींस यहां पे वैल्यू आ जाएगी 1। तो p इज ग्रेटर आर इक्वल टू सर 1 का कोई भी रूट निकालेंगे आंसर 1 आएगा। तो p इज ग्रेटर आर इक्वल टू 6, मिनिमम वैल्यू पूछी गई थी, तो 6 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर आर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, देखो तुम अटेंड करो सेशंस और बहुत फायदा ही होगा, फायदा ही होगा यहां पर। ओके चलो ठीक है, ओके नेक्स्ट पे आ जाते हैं। लीडर बोर्ड सर, लीडर बोर्ड सर, ऋषि अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए फाइट कर रहा है बेसिकली यहां पर अब, और बहुत टफ फाइट है। सो ऋषि फर्स्ट, दिशांत, हार्दिक जैन, देन वर्जन, दैट फनेंद्र, हार्दिक 10, ब्रैनिक, डिविस्ट, हार्दिक बंसल नीचे 10 पे चला गया है सर। सर अगर एक्स वाई जेड और 1 ले तो, अगर एक्स वाई जेड को 1 ले ले तो सॉल्व कर लो, बिल्कुल सही है। ठीक है, वैसे भी कर सकते, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू थी। बिल्कुल अगले सर, बिल्कुल बिल्कुल, सेकंड लास्ट क्वेश्चन सर आज का। हाँ, इस क्वेश्चन के बाद हम जावेद सर को भी बुला लेंगे यहाँ पर। हाँ, और हम चूज भी कर लेंगे कि क्या हमको प्रेडिक्टिबिलिटी लगती है। अ थिन वायर इज बेंट इनटू अ फॉर्म ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। आज ना क्राउन है मेरा, रोज एक बार आया था, मेड आउट ऑफ दिस थिन वायर, देन द साइड ऑफ स्क्वायर, काफी ऐसी क्वेश्चन है। तो सर आपकी स्ट्रॉबेरी भी एक बार भी नहीं आई आज क्रेडिट बोर्ड पे, मेरा रोज एक बार आया था। बिल्कुल बेटा, हार्दिक जैन 1 पुट कर दो, वही मिनिमम वैल्यू होगी। आयुष कुमार रॉय हेलो आयुष सर, आप भी हाय कर लो। हेलो आयुष, गाइस जल्दी से सेशन को शेयर और लाइक भी कर दो। आंसर नहीं करना है, ठीक है, देखना सर कुछ गेस। सर गेस करना है क्या? 7, 14, 11, 22, 7 तो आपने रेडियस दे ही दिया है। सो और फिर स्क्वायर इज मेड अप ऑफ दिस वायर, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर वुड बी, ओके रेडियस 7 है तो साइड या तो सर 7 या 14 से लगेगा इसके हिसाब से, 7 या 14 के हिसाब से अगर मैं जाऊं तो सर रेडियस सर 7 ही होना चाहिए क्या? 14 होगा सर, मुझे आंसर याद नहीं है। सी इज द राइट आंसर, 11, ठीक है, 11 इज द राइट आंसर। अरे तो मैं एक बार जल्दी से इनको सर बताता हूं, सर नेक्स्ट कर देना। जी सर, वायर किस फॉर्म में था सर? सर्कल, सर्कल। तो इसका मतलब जो पेरिमीटर ऑफ सर्कल होगा वो किसके इक्वल होगा? पेरिमीटर ऑफ स्क्वायर, और पेरिमीटर ऑफ सर्कल 2 पाई आर, बिल्कुल, 2 इनटू 22 बाय 7 इनटू 7 इज इक्वल्स टू 4, साइड को हम जो भी मान लें x इनटू साइड, ठीक है सर, ये कैंसिल, तो काफी इजी क्वेश्चन सर, 44 बाय 4 इनटू साइड, अरे यार बहुत इजी। तो साइड इज बेटा योगलता यादव, बिल्कुल अब अपना सवाल पूछ सकते हो, जो भी डाउट है पूछ लो, हम बता के जाएंगे। मिन्नती माझी हेलो हाय मिन्नती, एवरीवन यस ऋषि, एवरीवन शुड गिव योर बेस्ट, कोई बात नहीं मिन्नती माझी, अब लास्ट क्वेश्चन आने वाला है आज का, बी रेडी फॉर इट। ओके सर, तो हम लीडर बोर्ड पे चलें एक बार लास्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले, और आज कोई लीडर बोर्ड में चेंज भी हमको नहीं करना है ना। हाँ, तो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन आ रहा है इस लीडर बोर्ड के बाद। सर ऋषि सोजर बोल रहा, क्वेश्चन पढ़ के लग रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। ओके So, अभी जो सिचुएशन है सर वो इस तरीके से है कि ऋषि फर्स्ट पर है, दिशांत सैनी सेकंड पर है, फनिंद्र थर्ड पर है, हार्दिक जैन नाइन्थ क्लास फोर्थ पर है,
देन हार्दिक जैन 10th क्लास 5th पर है, ब्रेनियक 6th पर, संदीप 7th पर, दिविष्ट 8th पर, सात्विक 9th पर और हार्दिक बंसल 10th पे। अब मैं आपको अगर इसमें बताना चाहूं कि जो हमारे टॉप 4 है उनमें क्लोज है, बहुत क्लोज है। सो यहां पर कुछ भी हो सकता है इन टॉप 4 में, बस एक प्रोबेबिलिटी जो है वो ये कि ऋषि शायद टॉप 3 से बाहर तो नहीं जाएगा। तो उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। बिल्कुल सर, ठीक है। तो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अंजुम एक्सप्लेन कर दिया है सर ने ना, अब एक्सप्लेन कर दिया बेटा, ठीक है। बिल्कुल, लास्ट सवाल आज के एंड गेम का एंड क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट एवरीवन, ऑल द बेस्ट गाइस। सर हमने गेस नहीं किया, हैव अ गुड लक। लास्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हॉर्स राइडर है सर। अ हॉर्स राइडर फॉल्स फॉरवर्ड व्हेन द हॉर्स सडनली स्टॉप, देखा भी हमने कई बार। तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सर टाइम ज्यादा दे दिया हमने इसमें, मेरे को ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, मुझे भी ऐसा है ना। ये तो हमें सर एक काम करेंगे, अगली बार जब मेंटी करेंगे तो लास्ट क्वेश्चन 10-15 सेकंड्स वाला रखेंगे, तो उससे और कंपटीशन, उससे कंपटीशन और बढ़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल है ना। सो गाइस जल्दी से आंसर मेंटी बेटा, क्योंकि संदीप ने मैसेज करके बोला था कि वो है, इसलिए 99 हो रहे हैं या गाइस इतना लाइक, वो तो 100 कर देंगे अभी, 100 तो कर ही दो एटलीस्ट। आंसर आने से पहले 100 होना चाहिए यहां पर लाइक, अदरवाइज सर मैं जाऊंगा नहीं, लीडर बोर्ड से ले जाओगे आज आप, बोलना भी लिख दो सब। ए इज द राइट ऑप्शन, बिल्कुल बिल्कुल सही, वेरी गुड गाइस। और गाइस पहले आप 100 कर दो, तो आसद सर ने बिल्कुल बोल दिया लीडर बोर्ड पे 100 हो गया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो सर फाइनल, सर कुछ गैस कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ ऋषि फर्स्ट पर आएगा, बिल्कुल सर, दिविश नंबर 2 पे, बाकी वही रहेगा क्या सर? सर चेंज तो बनता है, दिशांत होगा। नहीं सर, कोई रिस्क लेने वाला नहीं था आज, हार्दिक ने ट्राई किया था लेकिन नहीं, तीसरी बार जाता है फास्ट। ओ वेरी गुड यार, लास्ट मिनट चेंज, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। So that's amazingly well done, Rishi Kashyap, superb performance. बेटा आ गया तुम वॉल ऑफ फेम में, वॉल ऑफ फेम में तो आ जाएगा ना थर्ड पोजीशन। हाँ बिल्कुल। तो सर मैं ये बोलना चाहूंगा, वो थेनोस ने एंड गेम में चुटकी बजाते ही खत्म कर दिया, तो चुटकी बजा के थर्ड पे आ गया। सो दिस वॉज द एंड गेम फॉर द धांसू मेंटी सीरीज, राइट। एक बात जरूर बोलना चाहूंगा आप सबसे कि आपको ये सेशन कैसा लगा, या हमें अब जब ये सेशन अपलोड होगा, वीडियो जब अपलोड होगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा। तो गाइज ऑल द बेस्ट फॉर एनटीएससी स्टेज 2, टॉप 10 का नाम बता, बिल्कुल सर हाँ। तो टॉप पोजीशन है ऋषि कश्यप, मैं बोल दूं सर, दिशांत सैनी, हार्दिक जैन, फनेंद्र, हार्दिक जैन, यहाँ पे कौन था सर, जो भी ड्रैगन है, ड्रैगन हैदराबादी बिरयानी, दिविष्ट, माई सेल्फ मिस सात्विक गिरी एंड हार्दिक बंसल। तो गाइज दिस वॉज एन अमेजिंग अमेजिंग सेशन, और कल का मेंटी का टाइम है दिन में 2:30 PM पर। तो कल आयशा सिद्दीकी यहाँ पे टाइप नहीं करना है सर, मैं एक बार बोल देता हूँ, बच्चा हम इस टाइप का सेशन लाते रहेंगे, लेकिन अगर आप कमेंट करोगे, आपके जो कमेंट रहेंगे हमारे लिए वो मोटिवेटेड रहे, तो हम बिल्कुल इस टाइप का सेशन जरूर लेकर आएंगे, अदरवाइज सर ये आज एंड गेम। और कमेंट लाइव चैट में नहीं करना है बच्चा, जब सेशन अपलोड होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, इस बात का ध्यान रखो, ठीक है। और लास्ट बात बता दूं, कल जो मेंटी 2:30 PM पर है सर, कल सिर्फ एक ही मेंटी है, सिर्फ एक ही मेंटी है कल 2:30 PM पर। सो जैसे हुआ था किसमें, एंड गेम में, चुटकी बजाती कुछ तो आज कर ले ट्राई। सो लेट्स डू दिस, बिल्कुल। सो 1, 2, 3 एंड